में बोला गया है कि 101 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन वन 101 से लेकर 120 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं वो नंबर जिसके फैक्टर एक दो से ज्यादा हो ठीक है तो सबसे पहला जो होगा नंबर वो क्या होगा एक होगा ठीक है इसी तरीके से 104, फिर 105, 106, 108, 110 111 भी होगा एक और एक सौ चौदह एक सौ और एक तो कितने नंबर हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो एक सौ एक और एक सौ बीस के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं चौदह ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर बिटवीन माइनस फाइव बाई सिक्स एंड थ्री बाई एट तो हमें ये बताना है कि माइनस पाँच बटे छः और दूसरा है तीन बटे आठ इसके बीच में इनमें से कौन सा नंबर आएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर, कर सकते हैं पहले तो अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास जो माइनस फाइव बाय सिक्स है ये क्या आएगा माइनस का माइनस का ज़ीरो पॉइंट एट थ्री आएगा ठीक है इसी तरीके से अगर हम थ्री बाय एट को करें तो ये आएगा हमारा ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन के अप्रॉक्स, ठीक है तो हम बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये जो होगा हमारा माइनस का ज़ीरो पॉइंट एट सेवन आएगा माइनस एट बाई नाइन जो है ये हमारा हो जाएगा कितना ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट एट और वन बाई थ्री जो होगा ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री हो जाएगा और फाइव बाई सिक्स जो है वो ज़ीरो पॉइंट एट थ्री होगा अब देखिए माइनस एट पॉइंट थ्री माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट एट थ्री से लेकर ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है यहाँ पर 504 के इक्वल में दे रखा है 2 की पावर पी इंटू थ्री की पावर क्यू इंटू सेवन की पावर आर हमें वैल्यू निकालनी है 2p पी प्लस क्यू माइनस आर की तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 504 के तो दो से किया था 252 फिर अगेन टू से किया 126 फिर टू से किया 63 थ्री से करेंगे 21, थ्री से करेंगे सेवन और वन ठीक है तो पाँच सौ चार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ दो की पावर हो जाएगी तीन तीन की पावर दो और सात की पावर एक तो हमारे पास पी तो आ जाएगा थ्री क्यू आ जाएगा टू और आर आ जाएगा वन तो हमें निकालना है टू पी प्लस क्यू माइनस आर तो टू इंटू थ्री प्लस टू माइनस वन तो सिक्स प्लस टू माइनस वन आएगा हमारा कितना सेवन ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है अगला है यहाँ पर हमें बताना ये किसके इक्वल होगा ठीक है तो ये क्यूब रूट दे रखा है एट की पावर फोर इंटू क्यूब रूट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट फोर की पावर थ्री तो अगर इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए एट जो है वो क्यूब रूट होता है हमारा टू का तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ एट इंटू एट इंटू एट इंटू एट फोर टाइम इंटू और वन ट्वेंटी फाइव होता है हमारा फाइव का क्यूब रूट ठीक है तो वन ट्वेंटी फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर फोर का क्यूब फोर का क्यूब होता है हमारा सिक्सटी फोर ठीक है अब ये टू का क्यूब है ये भी टू का क्यूब है ये भी टू ये टू का क्यूब है ये भी टू का क्यूब है ये टू का क्यूब है और ये भी टू का क्यूब है तो यहाँ पर कितनी बार है यहाँ पर एक दो तीन चार ठीक है तो यहाँ पर आएगा हमारे पास टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्योंकि क्यूब हट जाएगा इसका ठीक है क्योंकि क्यूब रूट है इन टू ये ये हमारा है फाइव का क्यूब ये भी हमारा फाइव का क्यूब है तो क्यूब हट जाएगा तो आएगा हमारे पास फाइव इंटू फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर होता है किसका एट का ठीक है ये इसका होता है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आएगा हमारा कितना ये आ गया हमारा 16, ये 25 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है अगर अब हम बोर्ड मास अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 16 इन टू ट्वेंटी फाइव बाई कैंसिल करा टू से पच्चीस दूनी पचास तो आ, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है द एल सी एम एंड एच सी एफ़ ऑफ टू नंबर्स आर फोटीन हंड्रेड एट्टी फाइव एंड थर्टी थ्री तो एल सी एम दे रखा है हमें दो नंबरों का चौदह सौ पचासी और एच सी एफ़ दे रखा है हमें तैंतीस ये दे रखा है ठीक है और ये बोला है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय थर्टी वन अगर हम एक नंबर को थर्टी वन से डिवाइड करते हैं तो जो उसका क्वेश्चन है वो नाइन होगा और रिमाइंडर हमारा एटीन होगा वाट इज़ द अदर नंबर तो वो नंबर कैसे निकालेंगे देखिए हमारे पास जो है वो क्या होता है डिविडेंट जो होता है वो होता है इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर ठीक है डिवाइज़र हमारे पास है थर्टी वन क्वेशन हमारे पास नाइन है और रिमाइंडर हमारे पास एटीन है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टू नाइन्टी सेवन ठीक है तो एक नंबर तो हमारा जो है वो ये हो गया ठीक है तो माना कि ए हमारे पास है टू नाइन्टी सेवन हमें बी की वैल्यू निकालनी है कि दूसरा नंबर क्या होगा तो हमारे पास इनका रिलेशन होता है नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है एच सी एफ इन टू एल सी एम के इक्वल ठीक है अब हमें जो पता है वो निकाल लेते हैं बी हमें निकालना है एच सी हमारा तैंतीस है एल सी एम हमारा चौदह है और डिवाइडेड बाई ए यहाँ आ जाएगा तो टू नाइन्टी सेवन ठीक है इसको सॉल्व करते हैं ग्यारह से काटेंगे तीन ये ट्वेंटी सेवन हो गया ठीक है फिर तीन से काटा तो ये हमारा नौ नौ से इसको काटेंगे तो हमारा आएगा वन सिक्सटी फाइव ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन है इसमें ये बोला है कि इफ़ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर फिफ्टी सिक्स एंड फोर्टी नाइन इनमें से अगर हम एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस कर देते हैं इन चारों नंबरों में से तो ये जो है वो प्रोपोर्शन हो जाएंगे ठीक है मतलब कि ट्वेंटी सिक्स माइनस एक्स अपॉन में ट्वेंटी फोर माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 56 सिक्स माइनस एक्स अपाउंट में फोर्टी नाइन माइनस एक्स के तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या है और बाद में हमें टू एक्स माइनस सिक्स अपाउंट में टू की वैल्यू बतानी है ठीक है अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है इसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे वो क्या है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर फिफ्टी सिक्स फोर्टी नाइन ठीक है अब हम क्या करेंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो दो आ रहा है इनका डिफरेंस निकालेंगे तो सेवन आ रहा है अब हमें एक्स कैसे निकालना है एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये जो पहला नंबर है ट्वेंटी सिक्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से ठीक है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से ट्वेंटी सिक्स इंटू सेवन और माइनस कर देंगे फिफ्टी सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस टू से तो ये हमारे पास आ गया फिफ़्टी सिक्स इंटू टू और डिवाइड किससे कर देंगे ये जो नंबर है टू और सेवन इनके बीच में जितना डिफरेंस होगा उससे सात और पाँच सात और दो के बीच में डिफरेंस पाँच का है तो पाँच आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन 82 टू माइनस वन वन टू में फाइव तो इसका आएगा हमारा सत्तर बटे में पाँच इसको काटा तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास चौदह आ गई x हमारे पास चौदह हो गया तो हमें निकालनी है वैल्यू टू तो एक्स इंटू माइनस सिक्स अपॉन में टू तो चौदह दूनी अट्ठाईस माइनस छः बटे दो तो कितना हो जाएगा बाईस बटे दो कैंसिल करा तो आंसर आ गया ग्यारह ऑप्शन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर इसमें से बताना है इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थर्टी सिक्स इसके फैक्टर निकाल लेते हैं ठीक है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से तो क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे बारह के फैक्टर निकल रहे हैं चार और तीन तो बीच वाले को चार एक्स और तीन एक्स में तोड़ दिया तो यहाँ पर कॉमन लेंगे एक्स तो एक्स प्लस फोर हो गया इसमें थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर तो इसके फैक्टर आ गए एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर ऐसे ही इसका करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स ठीक है माइनस थर्टी सिक्स तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस नाइन यहाँ पर फोर कॉमन है तो एक्स माइनस नाइन तो एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस नाइन तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस फोर यहाँ पर भी आ रहा है एक्स प्लस फोर यहाँ पर भी आ रहा है तो यही इसका आंसर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला हमारे पास है अगला है यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है तो फोर माइनस टू ब्रैकेट एक्स माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू टू एक्स प्लस फाइव दे रखा है पहले इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर एल्शियम लेंगे तो हमारा एल्शियम तो थ्री आएगा तो चार को तीन से करा तो बारह माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा टू एक्स और माइनस माइनस प्लस एट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव में टू ठीक है तो ये आएगा कितना हमारा ट्वेंटी माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव अपॉइन्टमेंट टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये फोर्टी माइनस फोर एक्स सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो फोर्टी माइनस फिफ्टीन इज़ इक्वल टू टेन एक्स तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू आ गई पच्चीस बटे दस कैंसिल करा था पाँच तो बटे दो हो गई हमें वैल्यू निकालनी थी टू एक्स प्लस वन अपॉन टू की तो टू इन टू एक्स की वैल्यू पाँच बटे दो जमा एक बटे दो कैंसिल हो गया दो से तो छः बटे दो हमारा होता है तीन के इक्वल ठीक है तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा क्या तीन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है यहाँ पर ये यह इक्वेशन जो दे रखी है वो इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के तो हमें वैल्यू बतानी है ए प्लस बी माइनस सी की ठीक है तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है पहले उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर प्लस ये प्लस है तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो सेम साइन रहेगा इनमें ठीक है अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो अंदर जो भी है इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का फाइव हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का टू एक्स स्क्वायर तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस का सी ठीक है अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास जो दे रखी है उनको सॉल्व कर लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस करेंगे तो ये फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब एक्स वाली आइटम करते माइनस सिक्स माइनस सिक्स और माइनस वन माइनस सेवन और प्लस फोर तो माइनस का थ्री एक्स हो गया और नंबर माइनस फोर और माइनस थ्री माइनस सेवन और माइनस फाइव करेंगे माइनस का ट्वेल्व इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी तो ए तो हमारा फोर हो जाएगा बी हमारा जो है माइनस का थ्री और सी जो है हमारा ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है सी हमारा ट्वेल्व हो गया अब हमारे पास जो है वैल्यू निकालिए ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है तो तो यहाँ पर जो है सी जो है ये प्लस का है ठीक है तो ये प्लस का है तो यहाँ पर सी की वैल्यू माइनस में आएगी तो यहाँ पर ए हमारा फोर बी हमारा माइनस थ्री और सी हमारा है माइनस का ट्वेल्व तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री प्लस का ट्वेल्व इज इक्वल टू थर्टीन थर्टीन इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन में जो है यहाँ पर प्लस का सी होगा ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्लस वाई थ्री दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थर्टी ट्वेंटी नाइन है तो हमें वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में वाई की वैल्यू निकालनी है तो वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में वाई जो है एलसीएम हम लेंगे तो यह आएगा हमारा वाई प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई ठीक है तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो दे रखी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास थ्री है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू नाइन इसकी वैल्यू हमें दे रखी है उनतीस ठीक है टू एक्स वाई इज इक्वल टू नाइन तो टू एक्स वाई जो आएगा नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन टू एक्स वाई इक्वल टू आ गया माइनस का ट्वेंटी तो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी माइनस का दस ये आ गई माइनस का दस वैल्यू ठीक है तो हमें निकालना था वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में वाई की वैल्यू ये एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की इक्वल है तो इसकी वैल्यू तो हमारी थ्री है और इसकी वैल्यू आ रही है कितनी माइनस का टेन ठीक है तो माइनस का टेन है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है एक बेलनाकार पाइप की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या जो दे रखी है सोलह सेंटीमीटर और पंद्रह है पाइप की लंबाई तिरसठ है तो इसे बनाने में लगी सामग्री का आयतन बताना है कितना होगा ठीक है तो पाइप जो है सिलेंड्रिकल है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर जो है रेडियस दे रखी है हमारे पर अंदर वाली की पंद्रह और ये पूरी जो है बाहर वाली की ये दे रखी है सोलह ठीक है तो कैसे निकालेंगे जो हमारा वॉल्यूम होता है आयतन होता है पाई आर स्क्वा एच ठीक है तो बाहर वाले का जो रेडियस है है वो आर वन ले लिया हमने सोलह सेंटीमीटर और अंदर वाले का आर टू पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी तिरसठ सेंटीमीटर तो कैसे करेंगे बड़े वाले का जो आयतन है पाई आर वन स्क्वायर एच माइनस कर देंगे पाई आर टू स्क्वायर एच को क्योंकि अंदर से तो खोखला ही है ठीक है तो पाई एच कॉमन आ जाएगा आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ट्वेंटी टू बाई सेवन हाइट सिक्सटी थ्री आर वन हमारा कितना है सोलह तो सोलह का स्क्वायर माइनस पंद्रह का स्क्वायर इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सिक्स वन थ्री एट सेंटीमीटर क्यूब तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है द पैरीमीटर ऑफ रोम्बस शेप फील्ड इज़ फोर्टीन फोर हंड्रेड मीटर ठीक है तो रोमबस शेप का एक फील्ड है ठीक है इस तरीके से इसका जो पैरीमीटर है परिमाप जो है वो चार सौ मीटर है ठीक है तो रोमबस की सारी साइड तो इक्वल होती है तो इसकी सारी साइड जो है वो 100 100 मीटर की हो जाएगी ठीक है आगे बोला है द तो लेंथ ऑफ दन ऑफ इट्स डाइगनल इसका जो एक डाइगनल है उसकी लेंथ दे रखी है 160 मीटर वट इज़ द एरिया तो इसकी लेंथ एक दे रखी है तो दूसरी लेंथ हमें पहले निकालनी पड़ेगी तो इसका जो डाइगनल एक हमारा अगर 160 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी सी डी और ये ओ ले लिया तो ओ से सी जो है उसका आधा हो जाएगा अस्सी ठीक है अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ और बी हम निकाल सकते हैं ओ बी स्क्वायर आएगा हमारा बी सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर के ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हंड्रेड का स्क्वायर माइनस एट्टी का स्क्वायर ठीक है ओ बी स्क्वायर तो ओ बी जो आएगा हमारा वो आएगा सिक्सटी ठीक है ओ बी हमारा सिक्सटी आ गया अब ओ बी सिक्सटी है तो बी डी जो है इसका डबल हो जाएगा 120 मीटर और जो ए सी है वो दे रखा है 160 मीटर तो इसका जो एरिया है क्षेत्रफल जो है वो होता है एक बटे दो डायगनल वन इंटू डाइगनल टू के ठीक है तो वन बाई टू डी वन हमारा 120 है डी टू हमारा 160 है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नाइन मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है द पैरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम इज़ 188 हंड्रेड एट्टी एट सेंटीमीटर तो एक ट्रिपेजियम शेप है ठीक है इस तरीके से ए बी सी और डी इसका जो पैरीमीटर है चारों साइड का जो समय है वन एट्टी एट सेंटीमीटर है ठीक है और इसका जो एरिया है वन सिक्स टू फाइव मीटर स्क्वायर और इनकी जो पैरल साइड है डी सी और ए पी इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब ये जो है ये दे रखा है पच्चीस सेंटीमीटर ठीक है ये पच्चीस सेंटीमीटर दे रखा है अब हमें करना क्या है यहाँ पर जो इसका एरिया है सेंटीमीटर में है ठीक है तो यहाँ पर जो है हमें बोला है सम ऑफ इट्स नॉन पैरल साइड हमें जो पैरल साइड है ए डी और बी सी का सम बताना है कितना होगा ठीक है तो इसका जो एरिया है एरिया होता है वन बाई टू इंटू सम ऑफ़ पैरल साइड ये ए और बी पैरल साइड है तो ए प्लस बी इंटू हाइट हाइट हमारे पास पच्चीस दे रखी है ठीक है तो एरिया दे रखा है वन सिक्स टू फाइव इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू ए प्लस बी इंटू ट्वेंटी फाइव तो ए प्लस बी हम निकाल लेंगे पहले तो यह आएगा कितना वन सिक्स टू फाइव इंटू टू डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 130 सेंटीमीटर तो ए प्लस बी जो है 130 सेंटीमीटर है ठीक है और इस पूरे का पैरीमीटर दे रखा है 188 उसमें से अगर 130 हम घटा दें तो हमारे पास बचा 58 जो कि हमारा ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन इज 1800 डिग्री व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ़ एन प्लस फोर अपॉन्टमेंट टू तो जो इंटीरियर एंगल का सम है ठीक है उसका जो फॉर्मूला होता होता है एन माइनस टू इंटू वन एट्टी डिग्री ठीक है तो ये तो हमें दे रखा है अठारह सौ डिग्री ठीक है तो इसको सॉल्व करके पहले एन की वैल्यू निकालेंगे तो अठारह सौ बटे में एक सौ अस्सी तो काट के तो दस हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास बारह ठीक है एन हमारा बारह हो गया ये माइनस टू उधर जाके प्लस हो जाएगा हमें वैल्यू निकालनी है एन प्लस फोर अपॉन में टू की तो ये आ जाएगा हमारा बारह प्लस चार बटे में दो सोलह बटे दो इसको काटा तो आठ आ गया ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ फेसिस वर्टिस एज ऑफ पॉलीहाइड्रन ए तो यहाँ पर एक पॉलीहाइड्रन है जिसके फेसिस दे रखे हैं हमारे पास एक्स और वर्टस दे रखे हैं टेन और इसके एजेस दे रखे हैं पंद्रह ठीक है और दूसरा जो है उसके जो फेसेस हैं बी वाले के वो दे रखे हैं बारह और वर्टसेस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं वाई और एजेस दे रखे हैं थर्टी ठीक है तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है यूलर फार्मूला वो क्या होता है वो होता है फेसेस प्लस वर्टिसज इज़ इक्वल टू एज़ प्लस टू तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे एक्स प्लस टेन इज़ इक्ल टू फिफ्टीन प्लस टू तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई सत्रह माइनस दस बराबर में सात तो x तो हमारा सात हो गया ऐसी y निकाल लेते हैं ठीक है फेस हमारा यहाँ पर बारह है वर्ट इस वाई है एज इज़ तीस है प्लस दो तो y आ गया हमारा बत्तीस माइनस बारह ये आ गया बीस ठीक है y की वैल्यू बीस हो गई तो x प्लस वाई निकालना है x प्लस वाई तो सात और बीस ये हो जाएगा कितना ट्वेंटी सेवन ऑप्शन नंबर तीसरा अगला है इन अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी यहाँ पर हमने ड्रॉ करा ए बी सी ठीक है और बोला है कि बी का बाई सेक्टर और सी के बाई सेक्टर का अगर हम ज्वाइंट करते हैं इस तरीके से बी का बाई सेक्टर ये जो डी पे मीट कर रहा है ठीक है तो बी डी सी जो है ये जो दे रखा है ये एक सौ दो डिग्री है तो बताना है कि एंगल ए कितना होगा ठीक है तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे अगर हमें इसका बाई निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं अगर हमें एंगल बी डी सी निकालना होता है वो होता है नाइन्टी प्लस हाफ ऑफ़ एंगल ए के इक्वल होता है ठीक है तो हमारे पास ये तो दे रखा है 102, सौ दो नाइन्टी प्लस एक बटे दो ऑफ एंगल ए तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 102 में से 90 गए तो 12 हो गया एक बटे दो एंगल ए तो एंगल ए हो जाएगा हमारा चौबीस ठीक है एंगल ए कितना हो गया चौबीस हो गया तो चौबीस डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर बोला है कि बी डी इज़ ए डायगोनल ऑफ अ रोमबस ए बी सी डी तो एक रोमबस है ये हमारे पास एक रोमबस है ए बी सी और डी बी डी डाइगनल है ठीक है बी डी हमारा एक डाइगनल हो गया है तो ए डी बी ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है तो पूछा है कि डी सी बी डी सी बी ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा अब रोमबस की तो सारी साइड इक्वल होती है ठीक है तो अगर मैं लूँ ये ट्राइंगल ए बी डी लूँ तो ये आईसोसलिस ट्राइंगल होगा दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल भी हमारा 50 होगा क्योंकि ये 50 है तो ये 50 है, तो ये 50 है तो इससे एंगल सम प्रॉपर्टी से हम, हम निकालें तो ये ए वाला एंगल जो है वो 100 डिग्री आएगा सॉरी 80 डिग्री आएगा ठीक है क्योंकि फिफ्टी फिफ्टी प्लस हंड्रेड हो गया प्लस एट एट्टी वन एट्टी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो एंगल डी सी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के तो आंसर है तीसरा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का है इसमें बोला गया कि टू डाइस आर थ्रोन साइमटेनियसली वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ़ द नंबर अपेयरिंग ऑन दैम इज़ एटलीस्ट सेवन तो दो पासों को एक साथ फेंका जाता है इसकी प्रायिकता क्या है कि उन दोनों पर आई संख्याओं का योग कम से कम सात हो कम से कम सात हो मतलब ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए सात एक तो हमारे पास यहाँ है एक साथ ये है सात एक ये है एक साथ ये एक साथ ये एक साथ ये और इसके बाद वाले इससे ज़्यादा ये ठीक है।, है तो कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ठीक है तो इक्कीस बटे में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है छत्तीस तो काटा से तो सात बटे बारह तो सेवन अपॉन में ट्वेल्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें बोला गया है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं ठीक है और ये बोला है कि एक्स जो है इसका मीडियम है इन सारे नंबर का तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आएगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन दो बार है सिक्सटीन या तीन बार है ठीक है उसके बाद आएगा हमारे पास सेवनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट ठीक है मीडियन होता है जो बिल्कुल बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पर टोटल जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह है तो बीच में यहाँ पर दो नंबर होंगे ठीक है कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पर बीच में यहाँ पर है चौदह और पंद्रह क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आठ नंबर यहाँ हो गए आठ नंबर वहाँ हो गए ठीक है तो इनका जो मीडियन होगा मीडियम जो एक्स है वो क्या होगा इनका सम डिवाइडेड बाय टू तो यह आएगा उनतीस बट्टे दो करेंगे तो वन फोर पॉइंट फाइव चौदह पॉइंट पाँच हो गया अब आगे बोला है सिक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय नाइनटीन छः को हमने नौ से रिप्लेस कर दिया है ठीक है छः को जो है ये वाला जो छः है इसको नौ से उन्नीस से रिप्लेस कर दिया है और जो तेरह है इसको हमने कर दिया है इकतीस से ठीक है तो जो नया मीडियन है वो वाई होगा तो इस केस में अगर हम अरेंज करेंगे तो जो आएगा फाइव सेवन एट नाइन नाइन 11, 14, फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 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 और यहाँ पर सेवनटीन उसके बाद 19 हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट और थर्टी वन इस केस में जो मीडियन होगा वो मीडियन क्या आएगा पंद्रह और सोलह ठीक है इनका सम तो मीडियन जो होगा वाई वो होगा फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन अपॉन टू तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यह आएगा पंद्रह पॉइंट पाँच हमें वैल्यू किसकी निकालनी है हमें थ्री एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो थ्री एक्स माइनस वाई तो थ्री इन टू एक्स हमारा फोर्टीन पॉइंट फाइव है माइनस वाई हमारा फिफ्टीन पॉइंट फाइव है इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी एट आएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा है तो फोर डिजिट नंबर यहाँ पर फोर डिजिट नंबर दिया गया है फोर बी ए और फाइव ए और बी हमें नहीं पता कौन सा नंबर है ठीक है इज डिविजिबल बाय फिफ्टी फाइव और ये जो पूरा नंबर है वो पचपन से डिवाइड हो रहा है ठीक है तो हमें ये बताना है कि ये जो ए और बी है अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा ठीक है तो देखिए ये पूरा का पूरा अगर पचपन से डिवाइड हो रहा है ठीक है यानी कि ये ग्यारह से भी डिवाइड हो रहा है और पाँच से भी हो रहा है क्योंकि पचपन को हम लिख सकते हैं फ़ाइव इन एलेवन ठीक है तो यहाँ पर देखिए फाइव से जो तो डिविजिबल है क्योंकि जो यूनिट प्लेस है वो तो फ़ाइव है अब ग्यारह से कैसे चेक करेंगे हमारे पास जो ये फोर डिजिट नंबर है फोर बी ए फाइव ठीक है जो इवन प्लेस है और ऑड प्लेस पर नंबर है जैसे कि फोर है एक प्लेस छोड़ के दूसरा ए इनका सम फोर प्लस ए और जो बचे हुए हैं बी और फाइव इनका सम बी और फाइव इनका सम ठीक है इन दोनों का डिफरेंस जो है इन दोनों अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या आना चाहिए या तो ज़ीरो आना चाहिए या इलेवन या ट्वेंटी टू या थर्टी थ्री इस तरीके से ठीक है तो अगर मैं फोर प्लस ए में से माइनस करता हूँ बी प्लस फाइव को तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए तो जीरो आना चाहिए या ग्यारह या बाईस या तैंतीस या फिर ग्यारह का कोई भी मल्टीपल ठीक है तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए हमें क्या करना है ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर अगर मैं ग्यारह बनाना चाहूँ ठीक है तो यहाँ पर ग्यारह बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए सेवन ठीक है तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पर सेवन ले सकता हूँ दूसरा बी की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ बी की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर सिक्स तो बी की वैल्यू सिक्स पुट कर सकता हूँ अब हमें निकालना क्या है ए ए माइनस बी निकालना है तो ए हमारा सेवन है और बी माइनस बी हमारा सिक्स है तो सेवन माइनस सिक्स हमारा कितना हो गया वन हो गया ठीक है तो ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा फोर सिक्स सेवन फाइव ये जो है फिफ्टी फाइव से डिविजिबल होगा ठीक है यहाँ पर बोला है एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमश तीस और छः सेंटीमीटर है तो एक बेलन है ठीक है बेलन की जो ऊंचाई है वो तीस सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या आर जो है वो हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर है एक दूसरा बेलन है दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है पंद्रह सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो बारह सेंटीमीटर हमें बोला है दोनों के वॉल्यूम का रेशो बताना है क्या होगा पहले वाले सिलेंडर का दूसरे वाले सिलेंडर से रेशो बताना है क्या होगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वार एच तो पहले वाले का रेडियस आर वन है दूसरे वाले का रेडियस आर टू ले लिया और पहले वाले का जो हाइट है वो एच वन दूसरे वाले का एच टू ले लिया तो हमारे पास जो रेशो आएगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन स्क्वायर एच वन पाई आर टू स्क्वायर एच टू पाई से पाई कट गया आर वन हमारा कितना छ है तो छः का स्क्वायर सिक्स इंटू सिक्स एच वन हमारा तीस है आर टू हमारा बारह है तो बारह गुना बारह और एच टू हमारा पंद्रह है पंद्रह दूनी तीस कम छः छः दूनी बारह दो और इससे काटा तो हमारे पास बचा वन बाय टू तो जो रेशो होगा इसका वो होगा वन इज़ टू टू का ऑप्शन नंबर थर्ड अगला क्वेश्चन हमारा है वह धनराशि जो चौदह प्रतिशत वार्षिक की दर से दो वर्ष में पच्चीस सौ बीस साधारण ब्याज अर्जित करती है निम्नलिखित हैं तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है पच्चीस सौ ठीक है आर दे रखा है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट फोर्टीन परसेंट और टाइम दे रखा है टू ईयर्स ठीक है हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं पी इन आर इंटू टी अपॉन में हंड्रेड तो ये दे रखा है टू फाइव टू ज़ीरो और प्रिंसिपल नहीं पता हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चौदह है टाइम दो साल का है बटे में सौ तब तो P निकालेंगे तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू हंड्रेड अपॉन में फोर्टीन इंटू टू दो से काटा वन टू सिक्स ज़ीरो चौदह से इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा चौदह सात से काटा सात दूनी चौदह सात एक्म सात सात अट्ठे छप्पन ज़ीरो और इससे काटेंगे तो ये नौ ज़ीरो तो आगे गया नौ हज़ार रुपये तो नौ हज़ार रुपये जो है वो इसका प्रिंसिपल होगा अगला तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर हमें इसको पहले सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है एक्स क्यू प्लस टू की ठीक तो है थीके? तो एट एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस सेवेंटीन है ठीक है तो ये लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या करेंगे वेरिएबल वाली साइड को एक साइड कर लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो आठ को हम इधर ले जाते हैं और पच्चीस को इधर ले आते हैं तो सत्रह एक्स माइनस एट एक्स हो जाएगा और 33 माइनस पच्चीस हो जाएगा तो ये कितना हो गया हमारे पास ये हो जाएगा हमारा 9x और इसको करेंगे तो आएगा 8। ठीक है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो जाएगी 8 बाय नाइन अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स क्यूब प्लस टू की वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं एट बाय नाइन का क्यूब प्लस टू तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा फ़ाइव वन टू और नाइन का क्यूब करेंगे तो सेवन टू नाइन प्लस टू ठीक है तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो फाइव वन टू प्लस दो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन फोर फाइव एट अपॉन में सेवन टू नाइन तो इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आएगा उन्नीस सौ सत्तर बटे में सेवन टू नाइन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फैक्टराइज करना है ये जो क्वाडिलेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स माइनस थर्टी एट तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशन या कुछ वन है तो इसको थर्टी एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी एट के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको जोड़ के या घटाकर 17 बन रहा हो और गुना करके 38 बन रहा हो तो एक गुना अड़तीस तो अड़तीस होता है दूसरा है दो गुना उन्नीस अड़तीस होता है अब देखिए उन्नीस में से अगर मैं दो घटा दूँ तो सत्रह हो सकता है ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का उन्नीस एक्स प्लस का टू एक्स क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर सत्रह आएगा माइनस का 38 एट एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस नाइन्टीन और यहाँ पर प्लस का टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस नाइनटीन तो ये बचा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस नाइनटीन तो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस नाइन्टीन हमारा चौथा ऑप्शन है तो ये इसके फैक्टर होंगे आगे देखते हैं हमें यहाँ पर बोला है कि कॉफिशेंट बताना है एक्स स्क्वायर का ठीक है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इंटू करना है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एट से ठीक है तो हमें पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो टू एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें तीनों से एक्स स्क्वायर आए माइनस एट से तो टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट से इसी तरीके से माइनस फाइव एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर बन जाए सेवन एक्स से ठीक है तो इंटू सेवन एक्स और फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा माइनस का सोलह एक्स स्क्वायर इसको करेंगे तो माइनस का पैंतीस एक्स स्क्वायर और प्लस का फोर एक्स स्क्वायर तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस तो ये कितना हो जाएगा माइनस का फिफ्टी वन एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का फोर्टी सेवन एक्स तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो क्या होगा माइनस का फोर्टी सेवन ऑप्शन नंबर फोर्थ अगला है हमने बोला है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व को अगर हम डिवाइड करें फाइव एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन से तो क्या बचेगा ठीक है तो सबसे सब पहले इसके फैक्टर निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व के तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व तो एक्स कॉमन लिया ये बचा यहाँ से थ्री कॉमन लिया तो एक्स माइनस फोर बचा तो आएगी फैक्टर एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस फोर ठीक है ये इसके फैक्टर हो गए और ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ लिख देते हैं पाँच से काट दिया तो तीन हो गया ये एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ये होगा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर तो ये कैंसिल हो गया थ्री कैंसिल हो गया तो बचा थ्री अपॉन में एक्स प्लस फोर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात हमें दे रखा है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा तो ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल एंगल का रेशो दे रखा है ठीक है तो पहला हमने ए वाला ले लिया है थ्री एक्स बी वाला जो है टू एक्स और सी वाला जो है वो फोर एक्स तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एट्टी डिग्री तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्ल टू वन एट्टी तो ये हो गया थ्री एक्स टू एक्स और फोर एक्स इक्वल टू वन एट्टी तो ये नाइन एक्स हो गया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ट्वेंटी आ गई ठीक है तो हमारे पास एंगल ए जो है वो हो गया थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी डिग्री एंगल बी जो है आ गया टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी डिग्री एंगल सी आ गया फोर इंटू ट्वेंटी एटी डिग्री ठीक है ये हमारे पास तीनों एंगल हो गए अब बोला है सबसे बड़ा सबसे बड़ा हमारे पास एंगल सी है अस्सी डिग्री और सबसे छोटा चालीस है इनका डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालें तो चालीस डिग्री का आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ हंड्रेड डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाई सेक्टर ऑफ अ रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ तो ये बोला है कि एक ट्राइंगल है ठीक है इस ट्राइंगल का एक एंगल जैसे कि ए बी सी एक एंगल दे रखा है सौ डिग्री का तो बाकी जो दो एंगल बचे हैं इनके बाई सेक्टर का इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर ये वाला एंगल बताना है क्या होगा तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो भी हमें एंगल दे रखा है ऊपर वाला उसमें 90 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इस तरीके से हमारा ये निकलता है तो ये 90 प्लस 50 140 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा अगला है व्हाट इज़ मीन ऑफ द मीडियन रेंज मोड ऑफ़ द ऑब्जर्वेशन तो हमें यहाँ पर बोला है कि मीडियन रेंज और मोड का मीन क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं तो अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास थ्री आएगा फिर नाइन 11, 12, सिक्सटीन एटीन नाइनटीन दो बार है फिर ट्वेंटी फाइव और थर्टी ठीक है अब जो मीडियन है मीडियन होता है जो बीच में आ रहा है ठीक है बीच में तो यहाँ पर दो नंबर आ रहे हैं जब दो नंबर आते हैं तो मीडियन क्या होता है इनका एवरेज तो सिक्सटीन प्लस एटीन अपॉन्ट टू तो ये हो गया थर्टी फोर बाई टू सत्रह आ गया ठीक है अब रेंज रेंज जो है वो निकलता है सबसे बड़ा नंबर हाइएस्ट माइनस लोएस्ट सबसे बड़ा नंबर हमारे पास तीस है और सबसे छोटा तीन है तो सत्ताईस हो गया उसके बाद मॉड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उन्नीस दो बार आ रहा है तो ये मॉड हो गया लेकिन अब क्या निकालना है क्वेश्चन में मीन निकालना है इन तीनों का माध्य ठीक है थीके? तो सत्रह प्लस सत्ताईस प्लस उन्नीस बटे में क्या आएगा तीन आएगा क्योंकि तीन नंबर है ठीक है तो इसको जोड़ा तो हमारे पास आया तिरसठ बटे तीन या आ गया इक्कीस तो इक्कीस इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल निम्न में से कौन सी भिन्न को एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ठीक है अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ चार बटे तीन ठीक है अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये आएगा वन पॉइंट थ्री 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 ये रिपीट होता रहेगा तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है लेकिन अगर मैं थ्री अपॉइंट फोर करूँ और इसको डिवाइड करूँ डेसिमल फॉर्म में तो जो आएगा हमारा जीरो पॉइंट सेवन फाइव पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है ठीक है तो ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग ठीक है और इस तरीके की फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो तीन फ्रैक्शन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे ठीक है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए एक बेसिक कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर है वो हमारा टू की पावर एन इन 5 की पावर m की फॉर्म में बनता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा ठीक है या तो दो अकेला भी हो सकता है या पाँच अकेला भी हो सकता है डिनोमिनेटर में ठीक है तो यहां पर सबसे पहला फर्स्ट वाला चेक करते हैं फर्स्ट है सेवन अपॉन में एटीन ठीक है तो इसके मैं प्राइम फैक्टर करूं एटीन के तो सेवन अपॉन में टू की पावर वन इन टू थ्री की पावर टू तो टू की पावर एन तो बन रहा है लेकिन यहां पर थ्री भी आ रहा है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है अगला हमारा है सेकंड वाला 11 बटे 250. अब 250 के प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएंगे 250 के दो से किया एक दो पाँच फिर पाँच से करा पाँच से किया तो यह आ जाएगा हमारा ठीक है तो 11 बटे में दो की पावर एक गुना पाँच की पावर तीन तो यहाँ पर टू की पावर एन इंटू फाइव की पावर एम की फॉर्म बन रही है तो ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल ठीक है ऐसे तीसरा वाला चेक करते हैं तो 21 बटे अट्ठाईस है अगर ये कट रहा है तो हम काट सकते हैं इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये सात या इक्कीस सात चौक अट्ठाईस तो तीन बटे चार है ठीक है अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर जीरो पॉइंट सेवन फाइव ही आएगा तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा केवल दूसरा और तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है इफ़ हमें यहाँ पर यह नंबर x के बराबर दे रखा है तो हमें 547.527 अपॉन में 82 इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर हमें दे रखा है 547.527 अपॉन में 0.0082 पॉइंट इज़ इक्वल टू एक्स अब यहाँ पर अगर मैं डेसिमल हटाऊँ ठीक है डिनोमिनेटर में हमारे पास चार डिजिट के बाद डेसिमल है और न्यूमिनेटर में तीन के बाद ठीक है तो ऊपर वाले का अगर मैं डेसीमल आऊँ फोर फाइव फोर सेवन फाइव टू सेवन यहाँ पर हमारा डेसिमल थ्री के बाद है यहाँ जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट टू इसका हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो और नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर आएगा वन जीरो ज़ीरो 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 ठीक है इक्वल टू एक्स अब तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहाँ क्या बचा फाइव फोर सेवन फाइव टू सेवन अपॉन में 82 और ऊपर हमारे पास एक 10 बचा है ठीक है हमें तो इस पूरे की वैल्यू बतानी है ठीक है तो ये 10 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा तो x बाय टेन आएगी इस पूरे की वैल्यू ठीक है तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा अगला है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है हमारे पास दे रखी है ठीक है मीटर में यदि इसे मानक रूप पी इंटू टेन की पावर एन के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी और एन की वैल्यू क्या होगी तो हमें याद रखा थ्री एट फोर ज़ीरो 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 सिक्स टाइम ज़ीरो है ठीक है मीटर में अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म p इन टेन की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर p और n की वैल्यू पूछा है क्या होगा ठीक तो है तो यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है आठ है तो आठ डिजिट के बाद अगर मैं पॉइंट लगाऊँ थ्री पॉइंट एट फोर इन टेन की पावर मुझे एट करना पड़ेगा ठीक है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो P तो हमारा आ जाएगा थ्री पॉइंट एट फोर और n आ जाएगा एट तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही होगा अगला देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर सबसे जो छोटा नंबर होगा माइनस टू वन थ्री होगा तो माइनस टू वन थ्री उसका एक और माइनस का है हमारे पास माइनस तो वन थ्री बाय फाइव अब इसके बाद कौन सा छोटा नंबर होगा उसके बाद हमारा टू बाय फाइव की पावर हंड्रेड क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा तो टू अपॉन में फाइव टेन की पावर हंड्रेड उसके बाद वन बाय टू और टू बाय फाइव में से टू बाय फाइव और लास्ट में वन बाई टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा अगला है इफ़ यहाँ पर बोला है कि ये जो नंबर है ग्यारह से डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो यहाँ पर हमें दे रखा है सेवन एट एक्स थ्री नाइन फोर फाइव अब से इलेवन का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है यहाँ पर देखिए सात एक नंबर छोड़ के अगर मैं ऐड करूँ सात के बाद एक्स फिर नौ फिर फाइव तो इनको अगर ऐड करूँ सेवन प्लस एक्स प्लस नाइन प्लस फाइव ठीक है तो इनको जोड़कर हमारे पास आ रहा है इक्कीस प्लस एक्स आ रहा है अब यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद 21 एक प्लस एक्स आ रहा है अब बाकी जो नंबर बचे हैं 8, 3 और 4। इनको जोड़ लेते हैं तो 8 प्लस थ्री प्लस फोर ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है अब इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है अगर हम इनका डिफरेंस निकालें 21 एक प्लस एक्स और ये 15 का तो जो नंबर है इनका डिफरेंस वो इक्कीस एक प्लस एक्स माइनस या तो ज़ीरो आना चाहिए या फिर 11 या फिर 22 या फिर 33 मतलब 11 के मल्टीपल में उसका आंसर आना चाहिए तो ये पूरा नंबर ये 11 से डिविजिबल होगा तो इसको करेंगे तो 21 माइनस पंद्रह 6 छः जमा एक्स तो जीरो तो बन नहीं सकता ठीक है तो एक्स की वैल्यू हमें ग्यारह बनाने के लिए क्या रखनी पड़ेगी पाँच रखनी पड़ेगी तो एक्स हमारा आ जाएगा फाइव ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका फैक्टर इनमें से कौन सा होगा ठीक है तो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन दे रखी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ऑप्शन में से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे अगर सॉल्व करके पूरा आंसर ज़ीरो आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा अदरवाइज़ नहीं होगा तो पहला हमारा एक्स माइनस वन है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास वन आ गई तो इसमें अगर मैं वन रखूँ तो वन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव वन माइनस थ्री प्लस फोर तो ये तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा माइनस का टेन प्लस का फोर तो ये तो जीरो नहीं आ रहा अब अगला है एक्स की वैल्यू टू पुट करके देख लेते हैं तो ये आएगा हमारा टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव टू माइनस थ्री प्लस फोर तो ये वन माइनस का फाइव प्लस का फोर ये हमारा ज़ीरो आ रहा है तो यही इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस टू अगला देखते हैं अगला हमारे पास है एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर बी स्क्वायर ये इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर ट्वेल्व के ठीक है एक्स एक से बड़ा है ए माइनस बी हमें तीन दे रखा है तो ए प्लस बी बताना है क्या होगा ठीक है तो यहाँ एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर ट्वेल्व तो यहाँ पर हम एक रूल यूज़ करेंगे ए की पावर एन अपॉन में ए की पावर एम का ठीक है तो इसमें क्या होता है पावर जो है वो माइनस हो जाती है एन माइनस एम हो जाता है ठीक है तो हम बेस सेम है दोनों का तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स की पावर 12 अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व आएगा और यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए माइनस बी और a प्लस बी की तो ये इक्वल टू ट्वेल्व हो गया अब a माइनस बी हमें कितना तीन तो दे रखा है थ्री इन ए प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व तो a प्लस बी आ जाएगा हमारा 12 बटे तीन जो कि होता है चार तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो गया अगला है a माइनस बी हमारा सात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वेंटी नाइन है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी तो यहाँ पर देखिए वन अपॉन में a माइनस वन अपॉन में b अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो ए बी और यहाँ आएगा b माइनस ए ठीक है तो ये इसके इक्वल होता है तो याद अगर मैं ए इन बी और बी माइनस ए का फ्रैक्शन निकाल दूं तो इसका आंसर सही हो जाएगा तो हमें क्या करना है ए माइनस बी इक्वल टू सेवन तो दे रखा है ठीक है अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू फोर्टी नाइन और इसकी वैल्यू दे रखी है मैं उनतीस तो उनतीस माइनस टू टू नाइन तो माइनस टू टू आ जाएगा फोटी नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन तो ये आ गया कितना ट्वेंटी तो ए बी कितना जाएगा? आ जाएगा माइनस का टेन आ जाएगा ए बी की वैल्यू माइनस टेन हो गई अब हमें करना क्या है देखिए यहाँ पर बी माइनस ए है और हमें ए माइनस बी दे रखा है तो हमारे पास जो है बी माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस का सेवन हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस सेवन अपॉन में माइनस टेन तो सात बटे दस जो है हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी ठीक है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन बाय टेन हो जाएगी अगला है पी क्यू और आर हमें दे रखा है तो हमें पी प्लस क्यू माइनस आर बताना है किसके इक्वल होगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है? P Q हैं पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं पी प्लस क्यू तो देखिए पी हमारे पास है टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस सेवन वाई फोर क्यू हमारा दे रखा है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस फाइव वाई की पावर फोर अगर इसको मैं ऐड करूं तो कितना आएगा देखिए एक्स की पावर फोर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये थ्री एक्स की पावर फोर हो जाएगा ये माइनस का इसका कोई कॉफिशन नहीं है तो वन होगा ठीक है तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा तो प्लस का टू एक्स क्यूब वाई क्यूब सेवन में से फाइव माइनस कर रहा तो टू वाई की पावर फोर अब हमें माइनस करना है क्या आर को तो आर हमारे पास थ्री एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस का टू वाई क्यूब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ये ठीक है तो हमारे पास ये तो कैंसिल होगा ये भी कैंसिल होगा टू और प्लस फोर सिक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब आएगा इसका आंसर अगला है हमें यहाँ पर सेवन माइनस एक्स अपॉन में फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री दे रखा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो सेवन माइनस एक्स अपॉन में फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास थ्री इन टू फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन माइनस एक्स तो पंद्रह एक्स जमा तीन सेवन माइनस एक्स तो फिफ्टीन एक्स ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा और ये सेवन माइनस थ्री तो सिक्सटीन एक्स इक्वल टू फोर तो एक्स आ जाएगा एक बटे चार एक्स की वैल्यू ये हो गई हमें वैल्यू निकालनी है इसकी एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन की तो वन बाय फोर प्लस वन वन बाय फोर माइनस वन एल्शियम लेंगे तो ऊपर आएगा फाइव बाई फोर नीचे आएगा माइनस का थ्री बाई फोर कैंसिल तो माइनस का फाइव बाय थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्यारहवा यहाँ पर बोला है इफ़ द मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो है x एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व का जो मीन है इन पांचों ऑब्जर्वेशन का वो पंद्रह है देन द मीन ऑफ द फर्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन इज तो पहले तीन ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा ठीक है तो पांच का मीन हमें पंद्रह दे रखा है तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन तो मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन और एक्स प्लस ट्वेल्व डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइव से और इक्वल टू मीन हमारा पंद्रह है ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इस पूरे को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरा फाइव एक्स प्लस थर्टी अपॉन में फाइव इक्वल टू फिफ्टीन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5X 30 75. तो फाइव एक्स प्लस थर्टी इक्वल टू सेवेंटी फाइव तो फाइव एक्स इक्वल टू उधर जाके फोर्टी फाइव हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी होगी नाइन हो जाएगी ठीक है तो हमारे पास पांच ऑब्जर्वेशन कौन कौन से होंगे पहला एक्स था तो मतलब नाइन दूसरा उसमें तीन जोड़ा बारह फिर पंद्रह फिर अठारह फिर इक्कीस हमें स्टार्टिंग के तीन का मीन निकालना है मतलब इनका ठीक है तो नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा यह आएगा थर्टी थ्री अपॉन में थ्री कैंसिल किया तो यह आ गया हमारे पास इलेवन तो स्टार्टिंग के तीन ऑब्जर्वेशन का मीन इलेवन होगा ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है बावन ताश की एक मानक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है उस चुने हुए कार्ड के बादशाह नहीं होने की प्रायिकता कितनी है देखो टोटल कार्ड जो है 52 होते हैं और जो किंग है बादशाह जो है वो कितने होते हैं? चार होते हैं हमें बोला है कि किंग नहीं हो नॉट किंग इसकी probability पूछी है, ठीक है तो कितने किंग नहीं होंगे तो बावन में से चार घटा देंगे तो 48 किंग नहीं होंगे बटे में टोटल तो इसको काटा 12 और यह आया तेरह तो 12 बटे तेरह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है हमारे पास इसमें बोला है 330 की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहियों को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है ये दूरी 330 मीटर में है ठीक है और जो पहिए का जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दे रखा है डायमीटर जो है 105 सेंटीमीटर है तो देखिए एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसके लिए हमें इसका सरकॉम्फ्रेंस निकालना पड़ेगा पैरीमीटर जो होता है टू पाई आर का तो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस कितना होगा इसका एक सौ पाँच का आधा तो एक सौ पाँच बटे में दो इससे काटा सात से काटेंगे तो सात ए कम सात सात पैंतीस तो जो सरकम आएगा इसका वो आएगा बाईस गुना पंद्रह इसको अभी हम गुना नहीं करते हैं अब देखिए टोटल डिस्टेंस है तीन सौ तीस मीटर तो कितने चक्कर लगेंगे टोटल डिस्टेंस को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कि कितने चक्कर में वो ये कवर करेगा तो 330 मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 2, 22 टू डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बाईस ग्यारह से काटा दो तीस पाँच से का पंद्रह से काटा दो, तो दो से काटा तो ये हमारे पास आ गया सौ तो सौ चक्कर लगाएंगे ये इसको ठीक है अगला है द रेडियस और एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर सेवन सेंटीमीटर एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर एक सिलेंडर है ठीक है इसका रेडियस और हाइट हमें दे रखा है रेडियस सात है हाइट कितनी है बारह है रिस्पेक्टिव अनदर सिलेंडर है जिसमें इसका रेडियस और हाइट इंटरचेंज हो गया है ठीक है अगला सिलेंडर है इस बार इसका जो रेडियस है वो बारह सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो सात सेंटीमीटर है तो इनका रेशो बताना है ठीक है तो इनका वॉल्यूम जो है होता है पाई आर स्क्वायर एच तो पहले वाले का जो है पाई आर वन स्क्वायर एच वन ठीक है ये हमारा आर वन हो गया और ये एच वन हो गया ऐसे ही अगला है पाई आर टू स्क्वायर एच टू ठीक है तो पाई से पाई कट गया ऊपर आर वन हमारा सेवन है तो सेवन इंटू सेवन एच हमारा ट्वेल्व है नीचे आर हमारा बारह हो गया तो बारह गुना बारह और एच हमारा सात हो गया कट गया बारह से बारह कटा तो सात बटे बारह सेवन इस टू ट्वेल्व इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल बी तो ए एक जो ए है स्क्वायर, ठीक है एक जो स्क्वायर है इसका एरिया और बी जो एक सर्कल है इसका एरिया दोनों का एरिया जो है इक्वल है ठीक है तो इसका साइड अगर मैं ए ले लूँ इसका रेडियस आर लूँ दोनों का जो एरिया है इसका ए स्क्वायर होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं ए निकालूँ तो ए हमारा आ जाएगा अंडर रूट पाई आर स्क्वायर तो यहाँ तो रूट पाई और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर इनटू आर आएगा तो ए की वैल्यू हमारी रूट पाई आर है ठीक है हमें बोला है सरकमफ्रेंस का रेशो क्या होगा दोनों के पैरीमीटर का रेशो क्या होता तो है स्क्वायर का होता है फोर ए और नीचे इसका होता है टू पाई आर ठीक है तो देखिए ए हमने वह निकाल रखा है रूट पाई आर है ठीक है तो इसको टू से कैंसिल करेंगे तो तो टू हो जाएगा तो टू इन टू रूट पाई आर और ये पाई आर है आर से आर कट गया ठीक है रूट से इसे कैंसिल करेंगे तो नीचे रूट पाई बचेगा तो ये आएगा टू अपॉन में रूट पाई टू इस टू रूट पाई ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है ए बी एन सी स्टैंड फोर डिफरेंट डिजिट सच दैट बी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बी है वो प्राइम नंबर नहीं है और ए बी सी क्या है डिफरेंट डिजिट के नंबर होंगे तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि ए बी को अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है सी ए बी ठीक है तो इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बी जो प्राइम नंबर नहीं है तो यानी दो नहीं हो सकता तीन नहीं हो सकता पाँच नहीं हो सकता सात नहीं हो सकता ठीक है तो इसके अलावा हमारे पास बाकी जो बचे डिजिट है उनमें से एक होगा लेकिन हमें यहाँ पर जो बी की वैल्यू रखेंगे सेम हमारा नीचे आना चाहिए ठीक है तो अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो पाँच को जीरो से मल्टीप्लाई करा जीरो आएगा ये तो सही हो गया ठीक है और ए अगर ए की वैल्यू अगर मैं फ़ाइव रखूँ ठीक है तो पाँच को पाँच से गुना करा तो कितना है पच्चीस तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अब आपको ये भी देखना है कि ऊपर हम ए है जिस ए से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी हमारा ए की जगह सेम नंबर आना चाहिए तो हमारे पास क्या रहा है टू फाइव जीरो तो ए हमारा हो गया फाइव बी ज़ीरो और सी टू हो गया हमें फाइंड क्या करना है ए प्लस सी करना है तो ए हमारा टू हो गया ए हमारा फाइव हो गया और सी हमारा टू हो गया ठीक है तो दोनों को ऐड करा सेवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निम्न में से कौन सी संख्या छः से विभाज्य है विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल by सिक्स तो हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं बताने कौन सा छः से डिविजिबल होगा तो छः से डिविजिबलिटी का रूल जो होता है वो ये होता है कि वो टू से भी डिविज़िबल होना चाहिए और थ्री से भी होना चाहिए डिविजिबल। अगर वो नंबर टू से डिविज़िबल है और थ्री से डिविजिबल है तो वो सिक्स से भी डिविज़िबल होगा तो ये कैसे चेक करेंगे देखिए टू से तो सारे होंगे क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है सिक्स है ये सिक्स है ये, ये एट है ये एट है तो ये टू से टू डिविजिबल हैं चारों अब हमें चेक करना है तीन से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे सबके डिजिट का सम करके देख लेंगे अगर सम जो है थ्री से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा ऐसे अगर हम सबसे पहले देखते हैं इसको इसमें अगर डिजिट का सम करेंगे तो हमारे पास जो सम आ रहा है वो ट्वेंटी थ्री आएगा ठीक है सेकंड वाले में सम करके देखेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी फोर आएगा इसी तरीके से थर्ड वाले में करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो ट्वेंटी सिक्स आएगा और फोर्थ वाले का सम जो करेंगे तो हमारा ट्वेंटी थ्री आएगा ठीक है तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है सम करने के बाद कि जो थ्री से डिविजिबल हो चौबीस तो ये पूरा डिजिट जो है वो हमारा सिक्स से डिविजिबल होगा तो यही इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन सी जो संग व्यंजक है जो इससे अधिक है तो हमें इससे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इसका बड़ा नंबर होगा ठीक है इससे बड़ा नंबर होगा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ट्वेल्व इं टू माइनस थ्री प्लस फाइव है ठीक तो है तो ये कितना ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर आएगा तो इनमें से देखते हैं कौन सा आ रहा है जो ट्वेंटी फोर से बड़ा है तो पहला वाला ऑप्शन ही चेक करें तो सबसे पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा तो सिक्स इंटू माइनस अंदर जो ब्रैकेट है हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट है माइनस थ्री और माइनस टू तो ये तो हो जाएगा माइनस का फाइव ठीक है और सिक्स इंटू माइनस माइनस प्लस होता है तो फाइव हो गया मल्टीप्लाई करा थर्टी आया तो पहला ऑप्शन ही जो है इससे बड़ा आ रहा है तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है आगे देखते हैं अगला है एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से तीस प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर बीस प्रतिशत बट्टा देता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है क्या होगा ठीक है तो इसमें बोला अ पर्सन मार्क ही गुड्स थर्टी परसेंट अब द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ही लॉस गेन परसेंटेज इज तो यहाँ पर बोला है कि अगर एक व्यक्ति कोई सामान खरीद के लाता है और उसका जो मार्क प्राइस होता है वो तीस प्रतिशत अधिक लिख देता है तो माना कि उसने सौ रुपये की कोई चीज़ खरीदी उसने जो उसकी मार्क प्राइस थी ठीक है उसने तीस प्रतिशत बढ़ा दी तो एक सौ तीस लिख दी अब वो इस पर ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट देता है ठीक है तो इसका अगर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट निकालें तो कितना होगा एक सौ तीस का बीस परसेंट हमारा छब्बीस आएगा ठीक है या आ गया छब्बीस तो मार्क प्राइस हमारा था एक सौ तीस उसमें से छब्बीस कम किया तो हमारा एक सौ चार आ रहा है ठीक है एक सौ चार पर वो बेच रहा है तो अब बताना है कि उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो देखिए स्टार्टिंग में उसने सौ में चीज़ खरीदी और एक सौ चार में उसने बेची तो चार का तो प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो चार परसेंट का उसे प्रॉफिट होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है द बेस ऑफ प्रिज्म इज अ पेंटागन ठीक है द सम ऑफ द नंबर ऑफ द फेसेस एजिस एंड वर्टिस ऑफ द प्रिज्म तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंटागोनल प्रिज्म जो दे रखा है ठीक इस है इसमें कितने फेस होते हैं सेवन फेस फिफ्टीन एजिस और टेन वर्टिस अब आपको पूछा है इनका सम बताओ कितना है तो अगर हम इसका सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा थर्टी टू ऑप्शन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी इज़ अ क्वारडिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी बाइसेकट ईच अदर एट राइट एंगल तो हमें बताना है ए बी सी डी कौन सा टाइप का क्वारडिलेटर बनेगा तो यहाँ पर यह बोला है कि ए बी सी डी जो है एक क्वारिलेटरल है ठीक है जैसे अगर हम यहाँ बना लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी लेकिन इसके जो डायगनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट नाइन्टी डिग्री ठीक है नाइन्टी डिग्री पर कर रहे हैं तो नाइन्टी डिग्री पर कब कर सकते हैं या तो स्क्वायर हो या फिर रोमबस हो ठीक है तो स्क्वायर और रोमबस पे ही डायगनल बाइसेकट करेंगे एट नाइन्टी डिग्री तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास रोमबस है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इफ़ एन एंगल इज़ 30 डिग्री लेस देन टू टाइम इट्स सप्लीमेंट देन द एंगल इज तो यहाँ बोला यदि कोई अपने संपूरक कोण के दुगने से संपूरक कोण के दुगने से तीस डिग्री कम है तो वह कोण है तो यहाँ पर ये बोला है कि कोई एंगल है माना कि वह एंगल एक्स है तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा सप्लीमेंट्री एंगल का सम एक सौ अस्सी होता है ठीक है तो ये अगर एक्स है तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा वो बनेगा वन एटी माइनस एक्स ठीक है ये होगा और यहाँ पर रिलेशन क्या बोला है इफ़ एन एंगल इज़ थर्टी डिग्री लेस देन ट्वाइस थर्टी डिग्री लेस देन टू टाइम इट्स सप्लीमेंट्री तो हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा टू टाइम ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री ठीक है से कम है तो यानी कि यहाँ पर हमें थर्टी कम करना पड़ेगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस टू एक्स माइनस थर्टी थ्री एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया तीन तो सौ तीस एक्स आ गया हमारा एक सौ दस डिग्री तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अगला है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो टू इज टू थ्री इज टू फाइव द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज तो यहाँ पर बोला है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो रेशो है वो दे रखा है हमें ठीक है टू इज टू थ्री इज टू फाइव का हमें ये पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है एक होता है ठीक है तो जो एंगल निकलेंगे इसी से निकलेंगे हमें बोला है सम निकालना है सबसे छोटे का और सबसे बड़े का ठीक है तो सबसे छोटा यहाँ पर टू है और बड़ा फाइव है तो अगर इनका सम करूँ तो सेवन हो जाएगा अपॉन में इन तीनों का टोटल हमारा टेन है तो अपॉन में टेन इंटू वन एट्टी तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद हमारा एक ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट हमें है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट नहीं है पहला है अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल एक्यूट तो एक ट्राइंगल के सारे एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं हाँ हो सकते हैं सारे एंगल नब्बे से छोटे हो सकते हैं सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड तो कोई ट्राइंगल है ठीक है ए बी और सी तो किसी भी दो साइड का सम जो है ए बी और बी सी का सम हमेशा क्या होगा बड़ा होगा थर्ड साइड से तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली वन ऑप्टिज़ एंगल क्या किसी ट्राइंगल में एक ऑप्टि एंगल हो सकता है तो ये भी हमारा क्या होगा सही होगा ठीक है एक से ज़्यादा ऑप्टिवज़ एंगल नहीं हो सकते फोर्थ सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्राइ इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है तो ये तो नब्बे हो गया तो इसका जो है सम दोनों एंगल का सम नब्बे के इक्वल आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है तो ये हमारा सही होगा क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है किसके बराबर आएगा सिंप्लीफाई करके तो देखिए ऊपर जो दे रखा है वन प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई अब यहाँ से कॉमन ली हूँ यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वन कॉमन आ गया तो वन प्लस एक्स हो गया प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स वाई ठीक है तो वन प्लस एक्स बचा तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स वाई और वन प्लस एक्स ऊपर वाली टर्म हमारी ये हो गई अब डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बनेगी माइनस टू एक्स माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री तो माइनस तो रहेगा बाहर एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस थ्री तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री के ठीक है ये फैक्टर बने अब दोनों का डिवाइड करना है हमें तो इस पहले वाले के फैक्टर हमारे ये आ रहे थे और दूसरे वाले के ये आ रहे थे ठीक है तो दोनों को अगर मैं लिखूँ फ्रैक्शन में एक्स वाई और ये वन प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया अब इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वन प्लस एक्स वाई अपन में थ्री माइनस एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा इसमें तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें पूछा है इन द प्रोडक्ट ऑफ हमें यहाँ पर एक पॉलिनॉमिल दे रखी है और एक दूसरी पॉलिनॉमिल दे रखी है इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो पूछा है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो तो हमारा ए है और एक्स का कॉफिशेंट है वो हमारा बी है तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हमें दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट से अब देखिए हमें जो पूछा है हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे और कुछ नहीं देखना हमें बोला है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट अब एक्स स्क्वायर हमारा स्टार्टिंग में टू एक्स से है ठीक है अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर ही रहे एक्स स्क्वायर से तो कर नहीं सकता क्योंकि एक्स की पावर फोर हो जाएगा एक्स से करूंगा तो थ्री हो जाएगा और लास्ट वाली कॉन्स्टेंट टर्म से करूंगा मल्टीप्लाई तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही रहेगा ठीक है तो टू एक्सक्वायर टू इंटू एट हमारा कितना हो गया सिक्सटीन एक्स स्क्वायर ठीक है ये तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो गया अब नेक्स्ट देखते हैं अब माइनस फाइव एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा एक्स स्क्वायर में आ जाए इसको मेरे को सेवन एक्स से करना पड़ेगा तभी आ सकता है उसके अलावा किसी से नहीं आ सकता तो सात पंजे पैंतीस तो माइनस का आएगा थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर अब माइनस फोर को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर से ठीक है तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट हमारे पास क्या आ रहा है अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंपलीफाई करने के बाद कितना आएगा सिक्सटीन माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर तो ये आएगा हमारे पास क्या माइनस का ट्वेंटी थ्री आएगा इसका कॉफिशेंट ठीक है ऐसे ही हम क्या करते हैं बी का कॉफिशियन एक्स का कोफिशन निकाल लेते हैं उसके लिए भी हमें सेम करना है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट से हमें बनाना है एक्स का कॉफिशन तो एक्स स्क्र तो हमें चाहिए ही नहीं अब हम करेंगे माइनस फाइव एक्स से तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट से आठ पंजे चालीस तो माइनस का चालीस एक्स हो गया ठीक है और माइनस चार को सात से करना पड़ेगा सात सौ अट्ठाईस तो माइनस का ट्वेंटी एट एक्स हो गया तो 68 माइनस का ठीक है तो हमारे पास ए तो हमारा आ गया माइनस का 23, और बी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा माइनस का 68 हो जाएगा अब आपको करना क्या है दोनों का डिफरेंस निकाल देना है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी करके तो ए तो हमारा माइनस का ट्वेंटी है बी हमारा माइनस का सिक्सटी है तो इसको करेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 68 एट और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर के आठ में से तीन गए पाँच छः में से दो गए चार तो फोर्टी फाइव इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करके पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है और बाद में हमें फाइव एक्स प्लस एट अपाउंट में थ्री इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह इक्कीस एक्स और तीन को चार से करेंगे चार ती बारह बराबर माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं तो ट्वेंटी वन एक्स ये माइनस है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा फोर एक्स यहाँ माइनस एट है और प्लस का ट्वेल्व यहाँ जाके माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है इसको करा पच्चीस एक्स और माइनस का ट्वेंटी तो एक्स कितना आ जाएगा माइनस का बीस बटे पच्चीस कैंसिल करा तो माइनस का चार बटे पाँच हो गया ठीक है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है हमें वैल्यू निकालनी है फाइव एक्स प्लस एट अपॉन में थ्री की तो फाइव ब्रैकेट में माइनस फोर बाई फाइव हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी ठीक है अपॉन में थ्री तो फाइव से फाइव कैंसिल माइनस चार प्लस आठ तो फोर अपॉन में थ्री जो है इसका आंसर होगा फोर अपॉन में थ्री प्लस का नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इसमें बोला है द इंटरनल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वर आर ट्वेल्थ ट्वेल्व मीटर एंड एट मीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स डेप्थ इज़ फोर मीटर वट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द टॉप ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक पानी की टंकी है क्यूबर्डल शेप में तो क्यूबर्डल शेप हमारे पास तरीके से होगा ठीक है और यहाँ पर ये यह बोला इसकी लेंथ ब्रैथ और हाइट डेप्थ हमें दे रखी है ठीक है और हमें इसका क्या बताना है कि इसमें अगर हम यहाँ पर पेंट करें ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर तो इसमें कितना खर्चा आएगा ठीक है हमें ऊपर वाला पार्ट छोड़ देना है ये ठीक है हमारे पास लेंथ कितनी है लेंथ हमारे 12 मीटर है ब्रेथ हमारे पास 8 मीटर है और हाइट हमारे पास 4 मीटर है ठीक है अगर हमारे पास जो है टॉप हमें छोड़ना है तो कैसे निकलेगा अगर मैं कर्व निकालता हूँ टू इं टू एल प्लस बी इन टू एच और मेरे को बेस जोड़ना पड़ेगा एल इन टू बी करके या टोटल सर्फेस एरिया निकाल के ये माइनस कर दो या फिर कर्ट सरफेस एरिया निकाल के एल इन टू बी प्लस कर दो ठीक है तो ये हमारा सरफेस एरिया आएगा इसका पहले टोटल तो निकाल लेते हैं टू इन टू एल हमारा ट्वेल्व प्लस बी हमारा एट और फोर तो ये आ गया ट्वेल्व इंटू एट तो ये हो जाएगा बीस टू इंटू ट्वेंटी इंटू फोर प्लस बारह अट्ठे छियानवे ठीक है ये हो गया हमारे पास अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 160 प्लस 96 तो दोनों का टोटल है 652 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ही आ रहा है और एक मीटर की कॉस्ट है पचास रुपये तो टोटल कॉस्ट जो आएगी टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा जो आएगा 256 फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया वन टू एट डबल ज़ीरो बारह हज़ार आठ सौ रुपये का खर्चा आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नेक्स्ट है इसमें बोला है द रेडियाई ऑफ अ बेस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर थ्री इजू फोर एंड हाइट्स का रेशो जो है फोर इंस टू फाइव है द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सर्फेस एरिया इज तो यहाँ पर दो सिलेंडर हैं ठीक है थीके? सिलेंडर ए हो गया है ये ए है और सिलेंडर बी है ठीक है दोनों में रेडियस का और हाइट का रेशो हमें दे रखा है हमें दोनों के कर्व्ड सर्फेस एरिया का रेशो बताना है क्या होगा ठीक है तो कर्व सर्फेस एरिया होता है टू पाई आर वन एच वन ये पहले का लिख दिया और दूसरे का टू पाई R2 आर टू एच टू टू से टू बाई कैंसिल होगा अब देखिए आर वन हमारे पास क्या है थ्री आर वन हमारा थ्री ले लिया हमने और आर टू हमने फोर ले लिया ऐसे ही एच वन हमारा फोर और एच टू हमारा फाइव हो गया तो वैल्यू रख देते हैं आर वन हमारा कितना थ्री है? है और एच वन हमारा फोर है ये फोर है और ये फाइव है चार से चार कटा तो थ्री अपॉन फाइव थ्री इज इस फाइव इसका रेशो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तार के दो टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई जो है तीस मीटर है तार के एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है क्या होगा तो यहाँ पर बोला है कि एक वायर है ठीक है जिसकी लेंथ तीस मीटर है एक से तो हमने स्क्वायर बना दिया ठीक है और एक से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया ठीक है स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है और इस इक्विलेटरल की भी तीनों साइड क्या होती है बराबर होती है हमें इस दोनों के एरिया का रेशो निकालना है क्या होगा ठीक है तो हमारे पास जो है वायर की लेंथ कितनी तीस मीटर है तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा तीस होगा तो इसका परिमाप होता है फोर इंटू साइड फोर इंटू साइड इज़ इक्वल टू थर्टी है तो जो एक साइड आएगी वो आएगी तीस बटे चार दो तो आएगा पंद्रह बटे दो आएगा पंद्रह बटे दो सेंटीमीटर इसकी एक साइड है चारों साइड हमारी सेम रहेगी ऐसी ट्राइंगल का जो है तीनों साइड बराबर है तीस बटे तीन करेंगे तो हमारे पास दस सेंटीमीटर आ जाएगी तो इसकी सारी साइड दस सेंटीमीटर की हो गई है अब हमें ये पता है कि दोनों का जो एरिया है वो क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर ठीक है साइड स्क्वायर और जो ट्राइंग, इक्विलेटर ट्राइंगल हो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर जो है साइड कितनी है पंद्रह बटे दो इसका स्क्वायर हो गया बटे में रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय फोर इंटू इसकी साइड दस है तो दस का स्क्वायर सौ हो जाएगा ठीक है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हमारे पास जो है पच्चीस पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस बटे चार और रूट थ्री बाय फोर इंटू हंड्रेड तो फोर से फोर कैंसिल ठीक है इधर तो इसको पच्चीस के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा फोर और ये आएगा हमारा नाइन ठीक है तो हमारे पास क्या बचा नाइन अपॉन में फोर रूट थ्री ठीक है तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारे पास है इसमें बोला है कि द मीन ऑफ द फाइव ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पांच ऑब्जर्वेशन उसका मीन जो है वो ग्यारह है तो हमें बोला है कि मिडल की तीन जो टर्म होंगी उनका मीन क्या होगा ठीक है तो हमारे पास जो मीन है वो क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो इनका सम निकालूंगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस एट एक, डिवाइड करूँगा पाँच से क्योंकि पाँच ऑब्जर्वेशन है एक दो तीन चार और पाँच तो कितना आना चाहिए मीन ग्यारह आना चाहिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी हो जाएगा आप में फाइव इज़ इक्वल टू इलेवन तो फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव फाइव एक्स आ गया हमारा कितना थर्टी फाइव तो एक्स की वैल्यू सेवन हो गई तो हमारे पास ऑब्जरवेशन क्या होंगे एक्स प्लस वन सेवन प्लस वन एट सेवन प्लस टू नाइन सेवन प्लस थ्री टेन सेवन प्लस सिक्स थर्टीन सेवन प्लस एट फिफ्टीन ये होंगे नंबर अब बोला क्या हमें बीच के तीन जो नंबर हैं इनका मीन निकालना है तो नाइन प्लस टेन प्लस थर्टीन अपॉन में थ्री ठीक है तो इनका जोड़ के जितने नंबर हैं उनसे डिबाइ डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा हमारा बत्तीस बटे तीन तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा अगला क्वेश्चन है अ pair ऑफ dice इज़ थ्रोन simultaneously द probability दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टू dice इज़ अ प्राइम नंबर तो यहाँ पर यह बोला है कि अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं ठीक है तो वहाँ पर जो नंबर आएंगे जो पेयर बनेगा उनके प्रोडक्ट क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए ठीक है तो उसकी प्रोबेबलिटी क्या होगी तो देखिए अगर हम दो डाइज़ को थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? उसकी वन वन की वन टू की वन थ्री की वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन 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 सिक्स उसके बाद टू वन सेम करते हुए हमारे पास टू सिक्स की और ऐसे ही सिक्स वन से लेकर सिक्स सिक्स तक की ठीक है तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई कौन से अगर हम दोनों पेयर के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइम बनना चाहिए तो प्राइम नंबर हमारे पास टू होता है थ्री होता है फाइव होता है और सेवन होता है और क्या होता है इलेवन होता है ठीक है तो यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो देखिए टू बनाने के लिए वन और टू और टू और वन ये हो सकता है थ्री के लिए वन थ्री और थ्री वन हो सकता है फाइव के लिए वन फाइव और फाइव वन हो सकता है ठीक है अब ये सेवन और इलेवन बन ही नहीं सकते ठीक है क्योंकि छः से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है एक दो तीन चार पाँच छः तो टोटल छः हैं तो सिक्स अपॉन में और टोटल पॉसिबिलिटी छत्तीस होती है एक बटे छः तो वन अपॉन में सिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा चल तो हमारे पास है हमें यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करके पहले एक्स की वैल्यू निकाल ली है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस थ्री बाय टू इसकी पावर है माइनस थ्री ठीक है और डिवाइड करना है हमें x से और यहाँ पर नाइन बाई फोर है तो नाइन बाय फोर को मैं लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर और ये टू का स्क्वायर और होल पावर माइनस का टू अब पावर अगर माइनस है ठीक है पावर अगर माइनस है इसको मेरे को प्लस में करना हो तो अंदर वाला फ्रैक्शन जो है उल्टा हो जाएगा टू ऊपर आ जाएगा थ्री नीचे आ जाएगा ठीक है माइनस तो है ही ये हो गया पावर थ्री अब इन टू करूँगा तो ये एक्स है ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा ठीक है इक्वल टू यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो थ्री बाई टू की पावर माइनस फोर हो जाएगा ठीक है तो ये माइनस अगर मैं इसका बाहर लेना चाहूँ तो माइनस बाहर ले सकता हूँ तो टू बाय थ्री इसकी पावर गई थ्री इंटू वन बाय एक्स और ये क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा टू बाय थ्री पावर हमारी प्लस में हो जाएगी अब देखिए ये जो एक्स है इसको मैं इधर ले आता हूँ और ये जो पूरा नंबर है हमारा वो इधर आ जाएगा तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस टू बाय थ्री की पावर थ्री डिवाइडेड बाय टू बाय थ्री की पावर फोर इज इक्वल टू एक्स यह आएगा अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या होगी माइनस होगी तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर माइनस होगी तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस तो रहेगा ही यहाँ पर तो ये होगा टू बाय थ्री की पावर थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का टू बाय थ्री इसकी पावर माइनस वन अब ये आया है अब पावर माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको प्रोकल तो माइनस थ्री बाय टू इसकी वैल्यू हो जाएगी लेकिन हमें क्या निकालना था जो हमें टू एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन इसकी वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पुट कर देंगे टू इन टू एक्स हमारा कितना माइनस थ्री बाई टू आ गया प्लस फाइव और होल पावर क्या है इसकी माइनस का वन टू से टू कट गया माइनस थ्री और प्लस फाइव टू बचेगा टू की पावर माइनस वन अब माइनस जब हम हटाते हैं तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है वन अपॉन में टू की पावर वन तो वन बाई टू इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बोला यदि पाँच हज़ार छः सौ सात प्लस एक्स एक पूर्ण वर्ग है एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें बताना है एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ठीक है तो देखिए फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन प्लस एक्स है अब देखिए फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन तो इसके नियरेस्ट हमारे पास किसका स्क्वायर हो सकता है अगर मैं इसके दो के पेयर बनाऊँ तो फिफ्टी सिक्स से पहले हमारे पास आ रहा है स्क्वायर किसका सेवन का फोटी नाइन ठीक है सेवन का आ रहा है तो सेवनटी से लेकर हमारा ये सेवेंटी नाइन तक जा सकता है ठीक है तो हमारे पास जो है ये होता है अब देखिए अगर मैं सेवनटी फाइव का स्क्वायर निकालूं ठीक है सेवेंटी फाइव का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास सात अठे छप्पन और पच्चीस पाँच हज़ार छः सौ पच्चीस तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैं मिनिमम निकालना चाहूँ तो फाइव सिक्स टू फाइव में से फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन घटाऊँ हमारे पास पच्चीस में से अगर सात गए तो हमारे पास क्या आएगा अठारह आएगा ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सोलह से उन्नीस के बीच में अठारह आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है अठारह अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है हमारे पास यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके बताना है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ठीक है सबसे पहले हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होगी तो यहाँ पर माइनस थ्री बाई फोर है अंदर अगर ब्रैकेट में अगर मैं एलसीएम लूँ तो छः आएगा थ्री और सिक्स का और यहाँ हो जाएगा ये फोर माइनस फाइव और डिनोमिनेटर में यहाँ पर मैं इन इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ थ्री बाय फाइव को क्योंकि यहाँ भी थ्री बाय फाइव है यहाँ भी थ्री बाय फाइव है तो थ्री बाय फाइव कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा यहाँ माइनस का टू बाय थ्री इन इनमें से ये बचेगा और इसमें से हमारे पास क्या बचेगा इसमें से बचेगा माइनस का वन बाय सिक्स बचेगा और जो बचा है फ्रैक्शन उसको मैंने अलग से लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करा थ्री बाय फोर इन माइनस का वन बाय सिक्स आएगा और नीचे जो आएगा थ्री बाय फाइव यहाँ भी एलसी लेंगे तो सिक्स माइनस फोर माइनस वन प्लस फाइव बाय टू तो यहाँ पर हमारा जो है थ्री से कैंसिल हो गया हमारा तो टू आ गया तो ऊपर बचा हमारे पास वन बाय एट अब नीचे देखते हैं यहाँ पर भी अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ थ्री बाय फाइव है इन टू माइनस का फाइव बाय सिक्स है प्लस फाइव बाई टू तो थ्री से कैंसिल करा ये टू फाइव से कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास ऊपर वन बाई एट डिनोमिनेटर में क्या बचा यहाँ पर माइनस का वन बाय टू प्लस फाइव बाई टू तो नीचे भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टू आएगा तो फोर तो बाय टू आया ठीक है तो यहाँ पर अगर कैंसिल करूँ तो ये हमारा फोर हो जाएगा और फोर हो गया तो हमारे पास वन बाय फोर इंटू फोर सिक्सटीन ठीक तो हमारे पास पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वन बाई सिक्सटीन लेकिन हमें पूछा गया इसका रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा सिक्सटीन बाय वन मतलब कि सोलह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर अगला क्वेश्चन है हरी ने दो घड़ियाँ में से प्रत्येक को पच्चीस सौ रुपये में खरीदा उसने दो घड़ी खरीदी है ए और बी इसकी कीमत भी कितनी थी पच्चीस सौ रुपये थी और इसकी भी कीमत भी पच्चीस सौ की थी ठीक है दोनों को इतने में खरीदा उसने एक को पाँच प्रतिशत लाभ पर माना कि ए वाली जो घड़ी है इसको पाँच प्रतिशत लाभ पर बेच दिया और दूसरे को चार प्रतिशत हानि पर बेच दिया तो हमें बताना है पूरे सौदे में हानि हुई है या लाभ हुआ है ठीक है तो देखिए अगर मैं पच्चीस सौ का पाँच प्रतिशत निकालूँ तो जो इसका प्रॉफिट आएगा लाभ आएगा वो कितना होगा वो होगा एक सौ पच्चीस ठीक है वो कैसे निकालते हैं दो सौ पचास दो हज़ार पाँच सौ गुना पाँच बटे सौ इसको काटेंगे तो हमारा एक सौ पच्चीस आ गया इतना लाभ यहाँ हो रहा है और हानि अगर निकालें तो 200 सौ दो, दो पे चार प्रतिशत तो हमारे पास ही आएगा सौ आ रहा है ठीक है अब देखिए टोटल प्रॉफिट उसे हो रहा है 125 और उसमें लॉस हो रहा है उसे कितना सौ का तो टोटल प्रॉफिट जो होगा टोटल प्रॉफिट होगा उसे कितना पच्चीस रुपये का पच्चीस रुपये का होगा ठीक है अब उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी पच्चीस सौ पच्चीस सौ पाँच हज़ार थी ठीक है उसे टोटल दोनों घड़ी पाँच हज़ार की पड़ी और उसने कितने प्रॉफिट में बेची पच्चीस पे तो पच्चीस बटे में पाँच हज़ार गुना सौ दो जीरो दो ज़ीरो काटा एक और ये दो तो एक बटे दो प्रतिशत लाभ पर तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अगला है हमें बताना है ये किसके बराबर होगा ठीक है तो इसको पूरा सॉल्व करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइ प्लस टू ए बी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों आइडेंटिटी लग रही है ये माइनस वाली और ये प्लस वाली है बस बीच में क्या है माइनस है तो अगर मैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालूँ तो इसमें से मेरे को ये घटाना पड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी में से घटाना है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे माइनस में हो जाएंगे बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी जहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा तो यहाँ बचेगा माइनस का फोर ए बी बचेगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए ए की जगह हमारे पास ये वाली टर्म है और बी की जगह हमारे पास ये टर्म है ये भी ए है और ये भी बी है तो हमें कुछ नहीं करना सिंपली हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस फोर इन ए हमारा कितना है तीन बट्टे चार एक्स और बी हमारा कितना है पाँच बट्टे छः वाई चार से चार कट गया तीन से काटा तो ये दो हो जाएगा हमारे पास बचा माइनस का पाँच बट्टे दो एक्स वाई ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें इसके बराबर होगा ये ठीक है थीके? अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर निकालू एक्स स्क्वाइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन के तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालते हैं तो एक्स स्क्वाइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन तो एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस फाइव या थ्री कॉमन लेंगे एक्स माइनस फाइव तो इसके फैक्टर तो आ गए एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस फाइव ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले के फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन यहाँ कॉमन लेंगे एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस फाइव यहाँ थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फाइव तो इसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव ऐसे ही जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके फैक्टर निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव तो इसके फैक्टर निकलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव तो एक्स प्लस फाइव माइनस वन कॉमन आया एक्स प्लस फाइव तो इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस फाइव अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ऊपर वाले के फैक्टर तो हमारे पास है एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस फाइव डिनोमिनेटर वाले के एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव और जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव से एक्स प्लस फाइव कट गया एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री ऊपर बचा हमारे पास क्या एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा अगला है इसको सिम्प्लीफाई करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो तीन पंज पंद्रह और सातिया इक्कीस प्लस चार एक्स माइनस ये कितना फिफ्टी टू हो जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सेवन तो इस, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो पंद्रह एक्स और चार एक्स उन्नीस एक्स हो जाएंगे और इनको इक्कीस में से बाउंड घटाए तो माइनस का हो जाएगा ये हमारा थर्टी वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स वाले टर्म को सेपरेट करेंगे तो माइनस का ट्वेंटी फाइव एक्स हो जाएगा माइनस सेवन प्लस थर्टी वन तो ये कितना आएगा माइनस का सिक्स एक्स हो गया और ये हो गया चौबीस तो एक्स की वैल्यू तो हमारी आ गई माइनस का फोर ये एक्स की वैल्यू है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन में फोर की तो थ्री इन टू माइनस फोर प्लस सेवन अपॉन में फोर तो ये होगा माइनस बारह प्लस सात बटे चार तो माइनस का पाँच बट्टे चार इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है हमें एम और एन दे रखा है ठीक है हमें बोला है कि कॉफिशेंट निकालना है हमें एक्स वाई का ठीक है जब हम एम माइनस एन करें तो ठीक है तो यहाँ पर एम माइनस एन अगर करें एम हमारे पास कितना है थ्री एक्स प्लस फोर वाई और थ्री एक्स प्लस थ्री और टू एक्स प्लस थ्री वाई तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इनमें से एक्स वाई का कॉफिशेंट निकाल लेता हूँ एक्स वाई का कॉफिशेंट कब आ सकता है जब थ्री एक्स को मैं थ्री वाई से मल्टीप्लाई करूँ ठीक है वाई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाली टर्म तभी एक्स वाई का कॉफिशियंट आएगा तो ये पहला आएगा हमारा नाइन एक्स वाई ठीक है अब फोर वाई किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स वाली टर्म से तो प्लस का एट एक्स वाई तो ये तो हमारा एम आ रहा है इसको थोड़ा और लिखेंगे तो हमारे पास सत्रह एक्स वाई आएगा ठीक है एम वाली टर्म में एन वाली टर्म में निकालें तो एक्स वाले को वाई वाली टर्म से करना पड़ेगा तो फाइव एक्स वाई और यहाँ पर वाई वाले को एक्स वाले से तो माइनस का थ्री एक्स वाई तो टू एक्स वाई आ गया ये हमारे पास एन हो गया हमें क्या करना एम माइनस एन निकालना है M तो एम तो हमारा सत्रह एक्स वाई है और एन हमारा है टू एक्स वाई तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा पंद्रह एक्स वाई और एक्स वाई का ऑफिशियट क्या है एक्स वाई का ऑफिशियंट यहाँ पर पंद्रह है तो ऑप्शन नंबर पहला अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास दो पासों को एक साथ फेंका जाता है उनके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं का योग न्यूनतम नौ होने की प्रायिकता क्या है तो अगर दो डाइस को हम एक साथ फेंकें तो हमें बोला है कि दोनों डाइस में से जो नंबर आएंगे उनमें कम से कम नौ होना चाहिए तो न्यूनतम ठीक है एटलीस्ट नौ होना चाहिए तो यानी कि नौ भी हो सकता है वो दस भी हो सकता है ग्यारह भी हो सकता है और बारह भी हो सकता है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास थ्री और सिक्स की बन सकती है ठीक है उसके बाद फोर और फाइव या फिर फोर और सिक्स की उसके नेक्स्ट है हमारे पास फाइव और फोर फाइव फाइव और फाइव सिक्स की उसके बाद है थ्री सिक्स सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स की तो टोटल कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है तो दस पॉसिबिलिटी है हमारे पास तो यहाँ पर जो है जो इसकी प्रो होगी टेन बाय थर्टी सिक्स तो कैंसिल करा तो ये फ़ाइव हो जाएगा और ये एटीन हो जाएगा पाँच बटे अट्ठारह जो है इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर बोला है वट इज़ द मीन ऑफ द मोड मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा तो हमें पहले मीन मोड निकालना है मीडियन निकालना है रेंज निकालना है उसके बाद उनका मीन निकालना है क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ते क्रम में ठीक है तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा नौ है तो नाइन ना आ जाएगा उसके बाद टेन एक टाइम एक बार है ग्यारह हमारे पास दो बार है ठीक है उसके बाद तेरह है फिर चौदह फिर सोलह सत्रह फिर अठारह फिर बीस है एक बार इक्कीस भी एक बार पच्चीस भी एक बार है ठीक है ये बढ़ते क्रम में हो गया अब जो है मॉड जिसको हम बहुलक बोलते हैं मॉड क्या होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो सिर्फ ग्यारह ही है जो दो बार आ रहा है तो मॉड तो ग्यारह हो जाएगा ऐसे ही जिसको हम माध्यक बोलते हैं तो कौन सा नंबर है जो बीच में है तो यहाँ पर दो नंबर हैं जो बीच में चौदह और सोलह ठीक है तो जब दो नंबर बीच में होता है तो, तो उसका माध्यय कैसे निकालते हैं दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं ठीक है तो तीस बटे दो करा तो पंद्रह आ जाएगा और जो रेंज है जिसको हम परिसर बोलते हैं वो होता है सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटा देना तो ये हमारे पास सोलह आ जाएगा अब हमें इन तीनों का क्या करना है मीन निकालना है ग्यारह पंद्रह और सोलह तो जो मीन होता है वो क्या होता तो है इन तीनों का सम ग्यारह प्लस पंद्रह प्लस सोलह और बटे में तीन क्योंकि तीन नंबर हैं तो इन सबको टोटल करेंगे तो बयालीस आएगा बटे तीन काटेंगे तो ये चौदह हो जाएगा ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा नेक्स्ट है इसमें बोला अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉयड ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू टू क्यूब ऑफ सेम साइज़ वट इज़ द लेटल सर्फेस एरिया ऑफ टू सच क्यूब तो यहाँ पर बोला है क्यूबॉयड है ठीक है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें बोली है कि ये दे रखिए बारह नौ और सोलह ठीक है इसको मेल्ट करके छोटे छोटे दो सौ सोलह क्यूब बना दिए हैं ठीक है थीके? छोटे छोटे क्यूब बना दिए हैं दो सौ सोलह टोटल कितने बनाए हैं टू वन सिक्स बनाए हैं तो हमें बताना है कि दो क्यूब का लेटर सरफेस एरिया क्या होगा तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा उसके लिए जो टोटल वॉल्यूम है इस क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम निकलता है एल इंटू बी इंटू एच करके तो जो तो हमारा है बारह गुना नौ गुना छः उसको टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब से डिवाइड कर देते हैं टू वन सिक्स से तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा नौ एकम नौ नौ दून अठारह नौ चौक छत्तीस फिर बारह एक कम बारह बारह दुनी चौबीस और दो से काटा तो आठ तो यहाँ पर कितने क्यूब बनेंगे मतलब जो क्यूब है एक क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा आठ सेंटीमीटर क्यूब होगा और क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब तो आठ किसका होता है दो का क्यूब होता है तो हर क्यूब की जो साइड होगी जब क्यूब बनेंगे छोटे छोटे उनकी जो साइड होगी वो कितनी होगी टू सेंटीमीटर की होगी ठीक है तो हमें लेटरल सर्फेस एरिया निकालना है तो लेटरल सर्फेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो था फोर ए स्क्वायर ये तो एक का हो जाएगा इंटू टू करना पड़ेगा क्योंकि दो का पूछा है तो फोर इंटू ए हमारा दो है तो दो का स्क्वायर गुना दो आठ चौक बत्तीस तो बत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दो क्यूब का लेटरल सर्फेस एरिया होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं तो यहां पर एक हमारे पास ट्राइंगुलर फील्ड दे रखा है ठीक है जिसकी जिसकी तीन साइड दे रखी है बत्तीस मीटर साठ मीटर और सिक्सटी एट मीटर और इसमें यह बोला है इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं का जो अनुपात है पंद्रह चार है ठीक है तो आयत आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है क्या होगी ठीक है तो हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल है अगर मैं इन तीनों साइड का अगर रेशो निकालूं, ठीक है ये तीन साइड दे रखी है मैं अगर यहाँ पर मैं इन सब का रेशो निकालता हूँ तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा देखिए अगर इसको मैं टू से कैंसिल करूँ तो थर्टी फोर इसको करूँ थर्टी और इसको करूँ तो ये हो जाएगा सिक्सटीन फिर दोबारा टू से करूँ सेवनटीन फिफ्टीन और एट अब सत्रह पंद्रह और आठ ये जो है पाइथगोर ट्रिपलेट है मतलब कि अगर मैं पंद्रह का स्क्वायर करूं पंद्रह का स्क्वायर और आठ का स्क्वायर करूं तो ये सत्रह के स्क्वायर के बराबर आ रहा है ठीक है तो यानी कि ये जो बनेगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है सिक्सटी तो ये हमारा हाई पॉटिनेस होगा और इनमें इन दोनों में से एक को भी हम परपेंडिकुलर और बेस ले लेंगे तो ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया और ये हमारा बेस हो गया तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट ठीक है तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 16 16 गुना साठ तो इसको अगर मैं गुना कर दूं तो मल्टीप्लाई करने पे 960 मीटर स्क्वायर आएगा ये जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा अब बोला यहाँ पर रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ हो गई हमारे पास फिफ्टीन और ब्रेथ हो गई फोर तो एरिया होता है लेंथ इन टू तो पंद्रह एक्स गुना चार एक्स तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा वो नाइन सिक्स जीरो 4 मै फिफ्टीन इन फोर पंद्रह एकम पंद्रह पंद्रह चिक नब्बे और पंद्रह चौक साठ चार से काटा हमारा तो वन सिक्स आ गया तो एक्स स्क्वायर हमारा आ रहा है सोलह तो सोलह किसका होता है चार का होता है एक्स की वैल्यू तो हमारी चार आ गई तो इसकी जो लेंथ होगी पंद्रह चौक साठ मीटर और चार चौक सोलह हमें पूछा क्या है सबसे बड़ी जो साइड है वो क्या होगी साठ मीटर की तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है यहाँ पर बोला है द पैरीमीटर ऑफ रोमबस इज़ सिक्सटी सेंटीमीटर एक रोमबस है रोमबस की चारों साइड जो है वो इक्वल होती है ठीक है रोमबस इस तरीके से है इसकी चारों साइड इक्वल होती है इसका पैरीमीटर बोला है साठ सेंटीमीटर है ठीक है एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डाइगनल इज़ ट्वेंटी फोर इसकी जो लेंथ है एक डाइगनल की वो चौबीस है ठीक है तो हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा तो यहाँ पर इसकी चारों साइड बराबर होती है तो इसकी एक साइड कितनी पंद्रह सेंटीमीटर होगी क्योंकि इसका जो पैरीमीटर है वो साठ है तो सारी साइड जो है पंद्रह पंद्रह सेंटीमीटर की होंगी और बोला है कि एक डाइग्नल जो है वो चौबीस का है तो दूसरा डाइगनल हमें पहले नहीं पता तो डाइग्नल इसके बाइसेकट करते हैं इक्वल पार्ट पे ठीक है तो अगर ये चौबीस था हमारा ये पूरा चौबीस था तो यहाँ से हाफ जो है ए से ओ तक कितना हो जाएगा ये बारह हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथेकोरस्थिरम से हम ए बी सी और डी ये देख रखा है सेंटर ओ है तो ओ से बी तक की दूरी हम निकाल सकते हैं तो ओ से बी अगर निकालना हाई पॉटिनस पंद्रह का स्क्वायर माइनस बारह का स्क्वायर ठीक है तो टू ट्वेंटी फाइव माइनस वन फोर्टी फोर तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा नाइन फॉर यह आएगा हमारा 81 बचेगा ठीक है तो ओ बी जो आएगा हमारा 9 आएगा ठीक है 9 सेंटीमीटर तो ये पूरा डायगनल जो होगा डी से बी तक का ठीक है डायगनल वन तो हमें चौबीस दे रखा है डायगनल टू जो है वो कितना हो जाएगा इसका डबल अठारह सेंटीमीटर तो इसका जो एरिया होता है वो हम निकाल सकते हैं हाफ डी वन इंटू डी टू करके तो एक बटे दो चौबीस गुना अठारह इसको कैंसिल करा बारह और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर बोला गया है इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ फेसेस वर्ट इज इन ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड तो यहाँ पर बोला एक्स जो है हमारा वो क्या है फेस Face है, है इस पेंटागनल पिरामिड का ठीक तो है? तो है? है, है? है, है? है तो यहाँ पर कितने फेसेस हैं सिक्स फेसेस होते तो एक्स हमारा सिक्स हो गया और वाई जो हमारा क्या है वर्टिसेस है और यहाँ पर वर्टिसेस कितनी है सिक्स है ठीक है और जेड जो है हमारा क्या है एजिस है तो यहाँ पर एजिस कितनी है टेन है एक्स हमारा सिक्स हो गया वाई हमारा सिक्स हो गया जेड हमारा टेन हो गया हमें वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड की तो एक्स तो हमारा सिक्स है प्लस थ्री इन टू सिक्स माइनस टू इंटू टेन तो सिक्स प्लस तीन छः का अठारह और ये बीस तो अठारह और छ हमारा कितना होगा चौबीस चौबीस माइनस बीस किया तो चार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर बोला है एक्स एंड वाई आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जब दो एंगल का सम हमारा कितना हो 90 डिग्री हो ठीक है सच दैट द डिफरेंस इज टेन डिग्री इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एक्स जो है वाई से बड़ा है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी तो हमें ये पता है दोनों का सम नब्बे होता है तो x प्लस वाई हमारा हो गया नब्बे डिग्री और इनका डिफरेंस x बड़ा है तो x में से अगर हम y को घटाएं तो 10 डिग्री आएगा तो हमें बताना है कि 2y वाई माइनस ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ठीक है तो y से y कट जाएगा या 2x हो जाएगा इक्वल टू हंड्रेड डिग्री एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 50 डिग्री आ गई एक्स 50 है तो वाई कैसे निकालेंगे एक्स प्लस वाई हमारे पास 90 डिग्री था तो यहाँ पर ये 50 डिग्री तो वाई हमारा कितना होगा 40 डिग्री होना चाहिए ठीक है तो वाई हमारा आ जाएगा 40 डिग्री वाई हमें पता लग गया है हमें निकालना है टू वाई माइनस डिग्री तो टू इंटू फोर्टी माइनस ट्वेंटी अस्सी में से अगर बीस घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा साठ डिग्री ऑप्शन नंबर चौथा अगला है यहाँ पर बोला है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ तो दो ट्राइंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल हमारे पास है पहला ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है डी ई e, एफ ठीक है यहाँ पर बोला है कि जो ए बी है 4.5 सेंटीमीटर है ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एंगल ए हमारा 55 डिग्री का है ऐसे ही यहाँ पर डी ई e जो है वो 4 सेंटीमीटर है एफ़ टी एफ और डी ये 4.5 सेंटीमीटर है और एंगल डी जो है वो 55 डिग्री का है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी ठीक है तो देखिए अगर हम बी ए सी ट्राइंगल लेते हैं ठीक है ट्राइंगल लेते हैं हम बी ए सी तो बी है यहाँ चार फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाली साइड है तो यहाँ पर फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाली साइड हमारे पास डी एफ है तो एफ़ से लेना पड़ेगा ठीक है तो ट्राइंगल एफ एफ से हम डी तक गए ठीक है उसके बाद ई e तक आए ऐसे बी से ए फिर सी तो ये दोनों कॉन्गोरेंट होंगे इस केस में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल तो इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल की जो है साइड हो सकती है तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होने के लिए थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन देखिए अगर मैं 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करूँ तो यह आएगा हमारा सिक्स पॉइंट टू फाइव प्लस थर्टी सिक्स और दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा फोटी टू पॉइंट टू फाइव यह आएगा और सिक्स पॉइंट फाइव का अगर हमें स्क्वायर करूँ तो यह आएगा फोर्टी टू पॉइंट टू फाइव तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर बोला है कि हमें जो चार एंगल है वो किसके हैं क्वाड्रिलेटरल के हैं ठीक है, है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है तीन सौ साठ तो अगर इन तीनों को जोड़ इन चारों को जोड़ दूँ तो तीन सौ साठ के इक्वल आएंगे ठीक है तो यहाँ पर जो हमारे पास है फिफ्टी सिक्स प्लस एट्टी प्लस वन सिक्सटीन तो अगर इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस चौवन और 116 को चौवन में जोड़ा तो हमारे पास ज़ीरो और 80 जोड़ेंगे तो फाइव तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दो सौ पचास आएगा ठीक है, 250 है? 250 टू फाइव जीरो इक्वल टू थ्री सिक्सटी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस टू फिफ्टी डिग्री तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एक सौ दस डिग्री आ जाएगा एक्स तो हमारा एक सौ दस आ गया हमें निकालना है थ्री एक्स माइनस वन फोर्टी डिग्री थ्री इन टू वन वन ज़ीरो माइनस वन फोर ज़ीरो तीन सौ तीस में से एक सौ चालीस घटाएँगे तो हमारे पास कितना आएगा एक सौ नब्बे डिग्री ऑप्शन नंबर सेकेंड तो ये बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर जो है पाँच बटे दो की पावर माइनस का कितना है तीन है अब माइनस की पावर को अगर प्लस का करना हो तो क्या करेंगे जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखा है पाँच बटे दो है तो ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास दो बटे पाँच और इसकी पावर प्लस में हो जाएगी ठीक है ऐसे ही यहाँ पर है माइनस थ्री बाई फोर की पावर फोर है अब ये डिवाइड है ठीक है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में करूँ तो ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा पाँच ऊपर हो जाएगा तीन नीचे आ जाएगा ठीक है और ये हमारा सेम रहेगा अब इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं तो इसको करेंगे तो ये दो की पावर तीन बटे में पाँच की पावर तीन गुना अब माइनस है अंदर और पावर क्या है ई है तो ये प्लस में ही रहेगा तो इसको हम डायरेक्टली थ्री की पावर फोर ले सकते हैं और दो की पावर चार है यहाँ पर ये चार की पावर क्या है चार है इन पाँच की पावर तीन और तीन की पावर तीन इंटू फोर की पावर टू और यहाँ फाइव की पावर टू अब कैंसिल कर देते हैं देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक पावर बचेगी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर थ्री की पावर थ्री और थ्री की पावर फोर तो एक पावर यहाँ बचेगी और चार की पावर दो है यहाँ पर पावर दो बचेगी ठीक है तो हमारे पास क्या बचा टू की पावर थ्री अपॉन में फाइव की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर वन इंटू ऊपर जो बचा नीचे हमारे पास फोर की पावर टू बचा है यहाँ फाइव की पावर वन बचा और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं बचा वन ही बचा है ठीक है तो अब इसको हम कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ से ये यह कैंसिल भी हो सकता है एक करेंगे तो यहाँ दो बचेगा ठीक है और यहाँ पर जो है दो की पावर तीन गुना तीन बटे में पाँच की पावर दो बचा मल्टीप्लाई चार की पावर दो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ दो की पावर दो का होल स्क्वायर ठीक है तो ये कितना हो जाएगा टू की पावर थ्री इन थ्री अपॉन में फाइव की पावर टू इंटू 2 टू 2 की पावर फोर कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक पावर बचा तो हमारे पास जो बचा है तीन बटे में पच्चीस दूनी पचास और इसको मैं डेसिमल में चेंज करूँ तो हमारे पास आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है हमें बोला है कि जो सत्ताईस हज़ार चार सौ चालीस है वो इक्वल है एक्स की पावर फोर इंटू वाई की पावर वन इंटू जेड की पावर थ्री के यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है क्या है वो प्राइम नंबर है ठीक है हमें वैल्यू निकालनी है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड की तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो टू सेवन फोर फोर ज़ीरो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है तो टू से करा वन थ्री सेवन टू ज़ीरो अगेन टू से किया तो ये हो जाएगा सिक्स एट सिक्स ज़ीरो फिर टू से हो रहा है थ्री फोर थ्री ज़ीरो फिर टू से हो रहा है तो वन सेवन वन फाइव ठीक है ये हो गया अब ये जो है हमारा किससे हो रहा है ये हो रहा है फाइव से तो फाइव से करेंगे पाँच तीन पंद्रह पाँच बीस और ये तीन अब ये सात से हो रहा है फोर्टी नाइन हो जाएगा फिर सेवन से किया सेवन और सेवन से किया वन तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार टू की पावर क्या हो गई फोर हो गई इन टू फाइव की पावर वन और सेवन की पावर थ्री तो ये हमारा है टू सेवन फोर फोर ज़ीरो के इक्वल तो एक्स हमारा कितना हो गया टू हो गया वाई हमारा फाइव हो गया और जेड हमारा सेवन हो गया हमें वैल्यू निकालनी है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड की तो टू इंटू टू प्लस फाइव माइनस सेवन तो ये चार और पाँच नौ में से सात गए आंसर आ गया हमारे पास दो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर ए बी सी हमें दे रखा है ठीक है हमें निकालना है एल सी एम ऑफ ए बी सी अपन मे एच सी एफ ऑफ ए बी सी तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे एलसीयम निकालने के लिए हम करेंगे जो इनमें कॉमन नंबर है ठीक है ए बी और सी में देख यहाँ भी दो है दो की पावर चार दो की पावर तीन दो की पावर पाँच तो सबसे बड़ा कौन सा पावर वाला है दो की पावर पाँच वाला तो हम यहाँ से दो की पावर पाँच ले लेंगे इन टू अब अगला नंबर तीन है इसमें सबसे बड़ी पावर वाला है दो की पावर तीन की पावर दो वाला ये हो गया उसके बाद फाइव की पावर थ्री जो है वो हा highest है ठीक है तो ये जो आएगा हमारा एल होगा वैसे एच सी निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो इनमें सबसे छोटा है ठीक है दो की पावर चार दो की पावर तीन दो की पावर पाँच दो की पावर जो है तीन सबसे छोटा है ऐसे तीन में तीन की पावर एक और पाँच में पाँच की पावर एक तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कैंसिल करेंगे एक पावर बचा यहाँ से करेंगे यहाँ दो पावर इससे करेंगे तो यहाँ भी दो तो हमारे पास क्या आया ये टू की पावर टू इंटू थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर टू तो करेंगे चार चार तिया बारह बारह को पच्चीस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पच्चीस दोनी पचास और पच्चीस और पाँच तीस तो तीन सौ जो है इसका आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी इनमें से ठीक है तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तीन को दो से कर तो माइनस छः बटे में पैंतीस प्लस एक बटे सात और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस चार ता बारह बटे में पैंतीस एलसीएम अगर हम लें तो यहाँ पर पैंतीस ही एलसीएम आएगा तो ये माइनस छः पाँच से गुना करेंगे तो ऊपर पाँच हो जाएगा और प्लस का बारह तो ये हो गया हमारे पास कितना ग्यारह बटे में पैंतीस ठीक है अब हमें देखना है ग्यारह बटे में पैंतीस किसका आ रहा है तो देखिए ग्यारह बटे में पैंतीस के लिए अगर मैं यहाँ पर एल्शियम लूँ पैंतीस आएगा सात को दो से करा कितना आया चौदह चौदह तो वैसे ही बन रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे यहाँ करेंगे सात पंजे पैंतीस ठीक है पाँच चौक बीस माइनस सात ये तेरह बटे पैंतीस आ रहा है ये भी नहीं हो सकता ऐसे इसको करेंगे पैंतीस सात चौक अट्ठाईस माइनस सोलह तो ये तो बारह बटे पैंतीस आ गया और इसको करेंगे तो ये हमारा ग्यारह बटे पैंतीस आएगा तो ऑप्शन नंबर चौथा इसके इक्वल होगा अगला है हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास जो सोलह हज़ार तीन सौ तिरानवे माइनस के एक परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ़ के लाइज बिटवीन तो जो के की वैल्यू है किसके बीच में आएगी तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग मैथड लॉन्ग डिवीज़न मैथड से इसका स्क्वायर रूट निकालूँ ठीक है तो कैसे निकालेंगे पीछे से दो दो का पेयर बनाया ठीक है अब वन वन जब वन फिर माइनस किया तो ये ज़ीरो अगला जो है एक इसमें प्लस कर देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए इसके लिए ठीक है तो ये टू हो जाएगा फिर ऊपर से हम पूरा नेक्स्ट पेयर उतारेंगे सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री हो गया अब टू को किससे मल्टीप्लाई करूँ टू को टू से टू कर टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा फोर्टी फोर आ रहा है तो ऊपर आएगा टू यहाँ लिखेंगे टू फोर्टी फोर माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना नाइन वन और अगला पेज यहाँ बता लेंगे नाइन्टी थ्री और इसमें अब जो ऊपर लिखा है दो लिखा था दो इसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे चौबीस हो गया ठीक है अब चौबीस के साथ यहाँ पर किस नंबर को लिखूँ ट्वेंटी फोर अगर मैं यहाँ पर आठ को लिखता हूँ ठीक है तो एट एटज़ा चौ एट जा सिक्सटी फोर फोर सिक्स कैरी बत्तीस और अड़तीस सोलह और ये उन्नीस वन नाइन एट फोर आ रहा है ठीक है वन नाइन एट फोर आ रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे तेरह में से गए नौ और ये ज़ीरो जीरो ज़ीरो तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट में ये बचेगा तो यही हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो नौ किसके बीच में आएगा नौ आ रहा है हमारा पाँच से दस के बीच में ठीक है अगला है हमारे पास हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा ठीक है किस इसका सॉल्यूशन इनमें से किसके इक्वल होगा तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ का ठीक है तो ये प्लस का टेन इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्स माइनस एट तो ये जो माइनस एक्स प्लस टेन इक्वल टू टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व हो गया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फोर हो गई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही चार आ रही है अब यहाँ पर जो है हम एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे अब हम क्या करेंगे जो एक्स की वैल्यू फोर आई है इसमें पुट करके देखेंगे अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो इसका सॉल्यूशन होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू मैं चार रखूँ तो ये तो हमारा आठ हो जाएगा प्लस चार और पाँच नौ नौती है सत्ताईस इक्वल टू चार तीय बारह और दो। दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे तो ये तो इसका हो ही नहीं सकता अगले में रखेंगे तो ये आठ प्लस माइनस का वन और ये माइनस का फाइव हो गया इक्वल टू टू ये भी नहीं हो सकता ठीक है अगला देखते हैं अगला हमारे पास है थ्री एक्स फोर थ्री ज़र ट्वेल्व प्लस बार आठ आठ और पाँच तेरह इक्वल टू यहाँ रखा पाँच हो जाएगा पाँच पच्चीस हो जाएगा अब देखिए ये भी पच्चीस आ रहा है ये भी पच्चीस आ रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसको हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है फाइव एक्स माइनस सेवन फाइव एक्स माइनस सेवन वाई ठीक है तो ये तो हमने कॉमन ले लिया अब हमारे पास क्या बचा यहाँ बचा थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ ठीक है यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके तो थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री एक्स और प्लस का फाइव वाई आएगा माइनस से थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल हो गया अब ये अंदर बचा टेन वाई इंटू फाइव एक्स माइनस सेवन वाई तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ अगला है हमारे पास हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा तो ऊपर देखिए वाई स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी वन है तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी ठीक है तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाई माइनस वन ट्वेंटी वन किसका होता है ग्यारह का स्क्वायर होता है ठीक है तो ये 11 और वाई प्लस इलेवन हो गया ऐसे सिक्सटी फोर होता है हमारा एट का स्क्वायर ठीक है तो एट माइनस एक्स और एट प्लस एक्स अब नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो वाई कॉमन आएगा तो एट प्लस एक्स हो गया अगले में से ग्यारह कॉमन आ रहा है तो एट प्लस एक्स बचा तो ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस इलेवन वाई प्लस एट माइनस एक्स और एट प्लस एक्स डिनोमिनेटर में हमारे पास है वाई प्लस इलेवन और एट प्लस एक्स तो एट प्लस एक्स कैंसिल वाई से ये कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा है वाई माइनस इलेवन और एट माइनस एक्स तो वाई माइनस इलेवन और एट माइनस एक्स तो ये जो है आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा अगला है हमारे पास सेम क्वेश्चन अगला है यहाँ पर x- माइनस वाई हमारा फोर दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन दे रखा है तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी ठीक है तो हमारे पास जो है एक्स माइनस वाई जो है वो फोर दे रखा है अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू सिक्सटीन अब इसकी वैल्यू हमें पता है तो ये माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू सिक्सटीन माइनस टेन हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो टेन है ठीक है क्वेश्चन में गिवन है तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर सिक्स हो जाएगा ठीक है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस का थ्री एक्स वाई की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस का थ्री हो जाएगी अब आगे हमें क्या करना है हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालूँ तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ठीक है इसकी वैल्यू हमारे पास है टेन ठीक है टू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री है तो जगह टेन माइनस सिक्स इक्वल टू फोर तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर यार है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट फोर जो कि टू के इक्वल होता है तो ऑप्शन नंबर सेक्स फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अगला देखते हैं नेक्स्ट में बोला है यहाँ पर बोला असम ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड अमाउंट टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी सिक्स एट एक्स परसेंट पर एन एम थ्री ईयर थ्री टू बाई थ्री ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट वट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है ठीक है अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो प्रिंसिपल में अमाउंट में से माइनस कर दूँगा प्रिंसिपल ठीक है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा वन थ्री एट सिक्स आ गया और टाइम कितना दे रखा है हमें थ्री थ्री बाय थ्री तो इसको करेंगे तीन तीन नौ और दो ग्यारह ग्यारह बटे तीन वर्ष हो जाएगा ठीक है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा देते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया वन थ्री एट सिक्स प्रिंसिपल हमारा है फोर टू डबल ज़ीरो रेट एक्स है टाइम हमारा इलेवन नीचे हमारा थ्री आ जाएगा ठीक है इलेवन अपॉन में थ्री था तो इसको सॉल्व करेंगे दो जीरो से दो जीरो का है तीन से काटा तीन चौक बारह ठीक है तो ये हमारे पास आ गया अब x की वैल्यू निकाल ली है तो वन थ्री एट सिक्स डिवाइड में आएगा फोर्टीन इंटू एलेवन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ग्यारह से काटा ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह दून बाई छासठ फिर इसको काटेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा नाइन ठीक है तो कितना है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो है हमारे पास नाइन है लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा हमें बोला क्या है ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आई है एक्स हमारा नाइन आया ठीक है हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू की तो टू इन टू नाइन प्लस वन अपॉन में टू तो ये कितना हो जाएगा हमारा अठारह और एक उन्नीस उन्नीस बटे दो जो कि होता है नाइन पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर चौथा अगला है हमारे पास यहाँ पर बोला गया है पी क्यू आर बी द मीन पी जो है हमारा मीन है क्यू जो है हमारा मीडियन है और मॉड क्या है आर है तो हमें ये जो डाटा दे रखा है इसमें पहले मीन मीडियन और मॉड निकालना है उसके बाद हमें पी प्लस टू क्यू माइनस आर इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मीन निकाल लेते हैं तो मीन निकालेंगे मीन निकालने के लिए हमें करना क्या है इन सबको टोटल करना पड़ेगा इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आएगा एक आएगा ठीक है टोटल करके देख लीजिएगा और अपॉन में कितने नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व डिवाइड बाई ट्वेल्व हो गया छः दूनी बारह छिया अठारह काटेंगे तो आगे हमारे पास तो हमारा मीन जो आएगा वो कितना आएगा फिफ्टीन आएगा ठीक है मीन फिफ्टीन आ गया अब हमें क्या है मीडियन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले इसको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं तो सबसे छोटा नंबर हमारा थ्री है फिर सेवन है फिर नाइन है फिर इलेवन फिर ट्वेल्व थर्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स ये हो गए अब हमें क्या निकालना है मीडियन तो मीडियन के लिए हमारे जो बीच में नंबर आ रहे हैं तो बीच में कौन कौन से हैं ये दोनों नंबर हैं जो बीच में आ रहे हैं ठीक है ये दोनों नंबर हैं तो मीडियम अगर दो नंबर आ रहे हैं बीच में तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी नाइन बाई टू करेंगे तो 14.5 पॉइंट फाइव आ गया ये मीडियन हो गया अब हमें मॉड निकालना है मॉड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो सोलह जो है वो दो बार आ रहा है तो मॉड हमारा सोलह हो गया ठीक है तो हमारे पास जो है पी तो हमारा फिफ्टीन है क्यू हमारा जो है वो कितना है फोर्टीन पॉइंट फाइव है आर हमारा सोलह है हमें वैल्यू निकालनी है किसकी पी प्लस टू क्यू माइनस आर की तो पी हमारा पंद्रह प्लस टू इंटू क्यू फोर्टीन पॉइंट फाइव माइनस आर सिक्सटीन ठीक है तो हमारे पास आएगा पंद्रह प्लस ट्वेंटी नाइन माइनस सिक्सटीन तो आएगा फोर फोर माइनस सिक्सटीन चवालीस में तो सौ लगे चौदह में छः गए आठ और ये दो ट्वेंटी एट जो है इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट हमारे पास है कार्डों पर संख्या पाँच से लेकर एक सौ चौरासी तक लिखा हुआ है ठीक है एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है तथा इसे एक थैले में रख दिया जाता है इस थैले में से एक कार्ड को निकाला जाता है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या जो वो दो तीन और पाँच से विभाज्य है तो जो नंबर निकलेगा वो दो से भी डिविजिबल होना चाहिए तीन से भी और पाँच से भी तो क्या करेंगे सबसे पहले इन तीनों का एल्सीय निकाल लेंगे तो एल्सीयम निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना छः पंजे तीस आएगा अब तीस के मल्टीपल कितने नंबर होंगे यहाँ पर एक तो तीस खुद होगा दूसरा साठ फिर नब्बे फिर एक सौ बीस फिर एक सौ पचास फिर एक सौ अस्सी ठीक है ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहे हैं तो कितने हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः हैं और टोटल कितने नंबर हैं देखिए पाँच से चालू है टोटल वन एट्टी फोर है ठीक है वन एट्टी फोर लास्ट है तो चार कम करेंगे तो वन एट्टी आएगा इसको करा तो हमारे पास आ गया एक बटे तीस एक बटे तीस इसका करेक्ट आंसर होगा अगला देखते हैं अगला हमारे पास है इसमें ये बोला है कि इन ट्रिपेजियम ए बी सी डी ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है ट्रिपेजियम हमारा इस तरीके से दिखता है ठीक है ये एक ट्रिपेजियम है और इसमें बोला है कि ए बी जो है पैरलर है ए बी जो पैरलर है सी और डी के ठीक है ये पैरलर है अब यहाँ पर बोला है बाई सेक्टर ऑफ एंगल डी बाई सेक्टर का मतलब होता है जो यहाँ पर एंगल बनेगा पूरा उसका आधा करेगा ये बाई सेक्टर उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है और ऐसे सी का बाई सेक्टर ठीक है किस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो ई e पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये ई e हो गया तो हमारे पास ई डी सी ई डी सी ये वाला जो दे रखा है अंदर वाला एंगल ये तीस डिग्री है और ई सी डी ई सी डी ये वाला अंदर वाला एंगल जो पच्चीस है ठीक है तो हमें बताना है एंगल ए और एंगल बी कितने डिग्री के होंगे अब देखिए बाइसे्टर है तो जो एंगल डी पूरा वाला है ये पूरा जो है वो कितना होगा इसका डबल साठ डिग्री ऐसी एंगल सी जो पूरा होगा पच्चीस का डबल पचास डिग्री अब ए बी और डी सी पैरलर है अगर पैरलर है तो इन दोनों पे जो एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा वन एट्टी डिग्री होता है ठीक है तो हमारे पास एंगल ए जो आएगा वन एट्टी माइनस सिक्सटी एक सौ बीस डिग्री हो जाएगा ऐसी एंगल बी जो आएगा 180 एट्टी माइनस फिफ्टी डिग्री एक डिग्री आएगा तो 120 और 130 इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है यहां बोला गया एक्स एंड वाई टू सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जब दोनों एंगल का सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे ठीक है तो एक्स प्लस वाई का सम 180 हो सकता होगा ठीक है और इनका जो डिफरेंस है यहां बोला एक्स जो है बड़ा होगा वाई से और इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है चालीस डिग्री है तो एक्स में से अगर वाई घटाएंगे तो चालीस आएगा हमें बताना है थ्री एक्स माइनस फोर वाई की वैल्यू क्या होगी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो वाई कैंसिल टू एक्स बचा दो सौ बीस तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई एक सौ दस डिग्री ठीक है थीके? एक्स हमारा एक सौ दस हो गया वाई निकालने के लिए हम पहली क्वेश्चन रख देते हैं क्योंकि दोनों का सम कितना होता है एक सौ अस्सी तो वाई जो आएगा हमारा सत्तर डिग्री आ जाएगा ठीक है हमें वैल्यू निकालनी है थ्री एक्स माइनस फोर वाई की तो थ्री इंटू वन वन ज़ीरो माइनस फोर इंटू सेवन ज़ीरो तो थ्री थ्री जीरो माइनस सात चौक अट्ठाईस तो करेंगे इसको कितना आएगा ये पचास डिग्री ठीक है ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं अगला हमारे पास है डायगनल diagonals AC and एंड of a ऑफ ABCD are equal and AD equal आर इक्वल एंड इक्वल है BC के then ABCD will always be. विल ऑलवेज तो यहाँ पर बोला है कि जो ए बी सी डी ए बी सी डी है ठीक है इसके जो डाइगनल है वो क्या है इक्वल है डाइगनल हमारा ये दोनों होते हैं ये दोनों इक्वल हैं और क्या बोला है ए डी ए डी ये वाली साइड जो है वो बी सी के इक्वल है ठीक है अब डायगनल इक्वल किस केस में होता है या तो फिर वो स्क्वायर हो या फिर रेक्टैंगल हो ठीक है इन दोनों केस में ही डायगनल इक्वल होंगे और लेकिन इसमें ये बोला है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल है इन दोनों की बात नहीं करी है ठीक है तो इस केस में ये क्या हो सकता है ये हमारा रेक्टैंगल हो सकता है ठीक है ए बी सी डी क्या होगा एक रेक्टैंगल आयत होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है इनर ट्राइंगल पी क्यू आर तो एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है ठीक है यहाँ पर बना लेते हैं ये पी क्यू आर और बोला है कि पी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू आर के ये दोनों साइड इक्वल हैं ठीक है तो ये हमारा आईसोशलिस्ट ट्राइंगल होगा एंगल क्यू जो है वो अस्सी डिग्री है अस्सी है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वन एट्टी होता है तो हमारे पास जो एक्स है एक्स प्लस एक्स प्लस एट्टी इक्वल टू वन एट्टी ठीक है तो टू एक्स इक्वल टू हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी फिफ्टी डिग्री तो एक्स हमारा पचास डिग्री का होगा अब बोला क्या है हमें हमें बोला है थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी क्या होगा तो थ्री इंटू फिफ्टी माइनस ट्वेंटी तो एक सौ पचास में से बीस घटाए तो एक सौ तीस डिग्री आएगा ऑप्शन नंबर चौथा नेक्स्ट है द पैरीमीटर ऑफ अ रोमबस इज 364 हंड्रेड सेंटीमीटर एक रोमबस है इसका जो पैरीमीटर है वो दे रखा है 364 तो रोमबस की चारों साइड इक्वल होती है तो थ्री फोर थ्री सिक्स फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 91 तो इसकी सारी साइड होगी 91 सेंटीमीटर की 91 सेंटीमीटर 91 सेंटीमीटर ठीक है और ये बोला है कि इसका जो एक डाइगनल है वो हमारा सत्तर सेंटीमीटर का है दूसरा डायगनल हमें नहीं पता तो इसका एरिया बताना है तो एरिया जो होता है वो होता है इसका वन बाई टू इंटू डाइगनल वन इंटू डाइगनल टू तो हमारे पास जो डाइगनल है एक वो सत्तर सेंटीमीटर है दूसरा डायगनल हमें नहीं पता तो क्या करेंगे पहले देखिए ये जो है ए बी सी डी एक और सेंटर ओ ले लिया तो ए सी जो हमारे पास है वो सत्तर है तो उसका अगर हाफ कर देंगे तो हमारा ये बचेगा कितना पैंतीस बचेगा अब ये जो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ठीक है सी डी ओ ट्राइंगल सी डी ओ जो है वो क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है तो यहाँ पर मैं थ्योरम अप्लाई करके OD डी निकाल सकता हूँ ठीक है तो ओ डी निकालने के लिए मैं यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा डी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर तो ये हमारा नाइन्टी वन का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर प्लस थर्टी फाइव का स्क्वायर तो ओ डी का स्क्वायर निकालना है तो ये नाइन्टी वन का स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव का स्क्वायर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ठीक है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा ओ डी वो आएगा 81 वन एटी फोर आएगा ठीक है ओ डी हमारा 84 सेंटीमीटर आ गया तो हमारे पास जो दूसरा डायगनल है बी डी उसका डबल हो जाएगा 2 इंटू एट्टी फोर इज़ इक्वल टू वन सेंटीमीटर तो D1 हमारा 70 है D2 हमारा 168 है तो एरिया हम निकाल सकते हैं अब तो 1 बाई टू इंटू सेवेंटी इंटू वन इसको करेंगे तो ये हमारा 84 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या है फाइव डबल एट ज़ीरो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो गया नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबल टैंक लेंथ भी दे रखी है ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है ठीक है इट इज़ टू थर्ड फुल ऑफ वाटर दो बटे तीन जो है वो फुल भरा हुआ है पानी से तो हमें बताना है कि पानी लीटर में कितना होगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच जो निकलेगा सिक्स पॉइंट फाइव इंटू फाइव पॉइंट फोर इंटू थ्री ठीक है ये हमारा वॉल्यूम निकलेगा अब यहाँ पर ये यह बोला है कि जो टैंक है वो टू बाय थर्ड फुल भरा है तो इसका तीन दो बट्टे तीन निकाल लेते हैं तो तीन से तीन कट गया इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा सेवन सेवेंटी पॉइंट टू मीटर क्यूब आएगा ये आएगा अब जो है वन मीटर क्यूब जो होता है वो एक हज़ार लीटर के होता है ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक हज़ार से तो एक हज़ार से करेंगे तो हमारा सेवन जीरो टू डबल जीरो लीटर ठीक है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फील्ड आर 75 सेंटीमीटर 100 मीटर एंड 125 मीटर एक ट्राइंगल की तीन साइड जो है 75, सौ और 125 मीटर है हमें एरिया बताना है क्या होगा ठीक है सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और ये बोला है कि इसका जो एरिया है इक्वल एक रेक्टेंगल के जिसकी साइड का रेशो दे रखा है थ्री टू टू का ठीक है तो सबसे पहले हमें ट्राएंगल का एरिया निकालना पड़ेगा उसके लिए देखिए अगर मैं यहाँ पर इन तीनों साइड का रेशो निकालूँ तो ये जाएगा थ्री फोर और फाइव ये हमारा पाइथगोरस ट्रिपलेट बनाता है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारा ठीक है एक सौ और पिचत्तर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इसका जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा वन बाई टू बेस हमारा हंड्रेड हो गया हाइट हमारा पिचत्तर हो गया इसको काटा पचास और इसको करेंगे अगर इक्वल टू तो हमारा आएगा थ्री सेवन फाइव ज़ीरो मीटर स्क्वायर अब यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि जो एक रेक्टेंगल है उसकी साइड का रेशो थ्री इस टू टू तो थ्री एक्स लेंथ हो गया ब्रेथ हमारा टू एक्स हो गया तो एरिया हमारा एल इन टू भी होता है थ्री सेवन फाइव ज़ीरो इक्वल है तो ये हमारा थ्री एक्स टू एक्स इक्वल टू थ्री सेवन फाइव जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा थ्री सेवन फाइव जीरो आप बॉर्न में सिक्स कैंसिल करा इसको कैंसिल करेंगे तो छः सौ पच्चीस आएगा और एक्स हमारा आ गया कितना पच्चीस एक्स की वैल्यू पच्चीस आ गई तो लेंथ हमारा हो गया 75 और ब्रेथ हो गया पचास पूछा क्या है इसमें वट इज द लेंथ ऑफ द दुमॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल तो 50 मीटर इसका सही आंसर